हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है भाई लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू नितेश जय श्री राम कौशल लव यू ऑल राम राम जी मोहन बाबू गॉड ब्लेस यू प्रज्ञा सी टू संडे को क्या डिस्कस करेंगे जो होमवर्क रहेगा वो डिस्कस करेंगे वेल डन प्रशांत होमवर्क कंप्लीटेड वेरी गुड गुड मॉर्निंग चाहत कवीस केशु जय महाकाल सिमरन बहुत अच्छे केशन बढ़िया थे आ, ये वाले करे होंगे आपने मजा आया होगा आपको आसान भी थे यहां से कर रहे हैं क्वेश्चन राइट right? नवीन आइए सेवेंथ क्वेश्चन किया क्या आप लोगों ने यहीं से करना है ना डिस्कस एक बार कंफर्म करिए सेवेंथ से करना है <coughs> चलिए ठीक है सेकंड से कर लेंगे अभी सेवन से चालू कर लेते हैं अच्छा है आगे पीछे ठीक चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन में पहला ई टू है तो ये आंसर है आपका ट्रांस एंड वन ब्यूटीन सही है या नहीं आ, नीचे वाले में अगर हम करें तो यहां भी आंसर आएगा ट्रांसिस एंड वन ब्यूटीन अच्छा अगर एक चीज और देखो तो यहां एक और आंसर आएगा वो है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड अच्छा अगर मेजर एल्कीन पूछी जाए तो E2 में तो ट्रांस ब्यूटीन होगी लेकिन पायरोलिसिस में वन ब्यूटीन होगी पायरोलिसिस में वन ब्यूटीन होगी और ऐसे ही अगर मैं थर्ड बताऊं तो थर्ड मजेदार क्वेश्चन है थर्ड में सेट आएगा ऑफमैन आएगा एसिटिक एसिड आएगा और अगर हम बात करते हैं तो यहां यही आएगा क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन होता है सिन एलिमिनेशन होता है चेक कर लें कोई बात नहीं आशीष कोई बात नहीं कल फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री का होमवर्क मत करना परसों फिर मैथ्स के चक्कर में मत करना और ऐसे आईआईटी तक करते रहना मेरे भाई नीचे वाले में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्यों क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन और इसे एच चाहिए सेम साइड और सेम साइड एच बस यही मिलेगा सेम साइड एच बस यही मिलेगा सारे लोग देखिए सेम साइड एच बस यही मिलेगा आप फोर्थ पर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में देखें ये डाउन है तो यहां अप एच चाहिए ई के लिए भी बट यहां अप एच नहीं है तो यहां आंसर ये आएगा मजेदार बात यह है कि ई में आंसर तो दो आएंगे लेकिन ईआई का मेजर ही हॉफमैन होता है ई का मेजर हॉफमैन होता है इस बार E2 में सिंगल आंसर आएगा इस बार E2 में सिंगल आंसर आएगा इस बार E2 में सिंगल आंसर आएगा आ, यहां पर दो एच है और यह सिंगल बोन के क्रॉस रोटेट कर सकता है इसलिए तीनों आइसोमर बनेंगे थोड़ा पेन चलाओगे तो होगा शिवम यहां गधे की तरह छह बार मैसेज लिखने से कुछ नहीं होगा बेवकूफ कहेंगे यहां एसिटिक एसिड इस एच को हटा सकता है ये घूम के उस एच को भी हटा सकता है मिथाइल सेम साइड आ जाएंगे उसमें फिफ्थ एंड सिक्स का आंसर सेम आना है फिफ्थ एंड सिक्स का आंसर सेम आना है और एसिटिक एसिड तो आएगा ही आएगा यही आंसर सेम यहां आएगा एनएंसियोमेरिक आकाश पीछे का भूल रहे हैं कोई बात नहीं जो भूलते हैं तो रिविजन दोबारा कर लेते हैं अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सीट लगाई है तो चीजें ठीक ठीक होंगी आपके दिमाग में बाकी फिर करेंगे रिवीजन आइए यहां मजेदार चीज क्या है कि लिविंग ग्रुप ये है और ये कार्बन आपका अल्फा हो गया बीटा वन टू भी लिख सकते हैं तो आंसर अगर हम देखें तो यहां E2 का भी आंसर सेम आएगा ये देखिए प्रोपीन और यही सेम आंसर ई में आएगा यही सेम आंसर ई में आएगा ये आपका लिविंग ग्रुप है मेरे भाई सोडियम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन इसे देके और यहां मिलेगा आपको सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस एन ए प्लस ये पी है और फिर अगर आप ध्यान दें ये यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिससे मिलेगा क्या आपको सी एच थ्री सी एच टू ओ डबल बॉन्ड एस ये डबल बॉन्ड एस ए वाला है और एस माइनस एन ए प्लस एक और न्यूक्लियो फाइल फिर ये न्यूक्लियो फाइल एस एन टू करेगा एस एंड टू तो आपको आर मिलेगा एंड आर जो है वो ध्यान से देखें आर मिलेगा आपको सी एच थ्री सी एच टू एस सी एच टू सी एस थ्री हो जाएगा तो मैं उल्टा लिख रहा हूं ये देखिए ओ सी एच टू सी एस थ्री मेरे भाई ये है जैन R आर है जैन R आर है जैन चुगेव और इसे हीट कर दिया तो हीट करने पर एक बनता था आपका Ph3, थ्री पी डबल बॉन्ड CH2 और एक बनता था CH3, CH2 SH सी एच टू एस एच कॉस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होगा COS एस इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं ये आपका है एर्थ किसी का सही हुआ एर्थ किसी का सही है वेल्डन well नाइन्थ है कोप एलिमिनेशन नाइन्थ है कोप एलिमिनेशन और टेंथ में मुझको ऐसा लगता है कि कंजुगेटेड डाइन आ जाएगी दो बार पैरोलिस हो जाएगी वेल्डन well निपटे ये देख देखें फिर तो मैंने कुछ सब्सिड्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के क्वेश्चन दिए थे बताओ फर्स्ट का फर्स्ट में कौन सी मैकेनिज्म की नहीं अब्दुल नहीं आएगा तुम्हें अभी तक ये पता नहीं कि पायरोलिसिस में हॉफमैन एल्कीन बनती है पायरोलिसिस में हॉफमैन एल्कीन बनती है फिलहाल बताओ के ओएच इस पर कौन सी मैकेनिज्म करेगा ओहो क्या चुनिंदा क्वालिटी के आयुध तू भी खच्चरपंती कर रहा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे तुमने परफेक्ट कंटेंट सीख रखा है परफेक्ट सीख रखा है सही जा रहे हो बेटा ये क्लियर प्रूफ हो चुका है ये खत्म हो रहा है सब्सिड्यूशन एलिमिनेशन ये क्लियर प्रूफ हो रहा है कि तुम हवा नहीं लगेगी तुम्हें वहां सब्सिड्यूशन एलिमिनेशन के क्वेश्चन में क्योंकि तुम इतने बड़े वाले खच्चर हो तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि केवेएच स्ट्रांग है या वीक पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए तुम लोग तुम्हें आज तक पता है भाड़ में गया क्वेश्चन भाड़ में गया आई तुम्हें यही नहीं पता कि केवेएच स्ट्रांग है या वीक मतलब देखिए क्या मजेदार चीज है वाह तुम्हारा बेटा अगर हो जाए आई में तो मत जाना अगर तुम ये नहीं जानते कि के ओएच है या वीक है तो तुम्हें आई जाने का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार है ही नहीं आंसर तो ठीक है आंसर गया ऐसी तैसी में के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो फॉर्म मत डालना पैसे बचा लेना तो तीन हजार रुपए तो लगते ही चलिए पूछी क्यों लिया मैंने तुम लोगों से के होता है और अगर ये स्ट्रांग है तो बाय मॉलिक्यूलर चीजें चलेंगी बाय मॉलिक्यूलर या तो ई टू या एस टू इंटरेस्टिंगली ये थ्री डिग्री है और अगर ये थ्री डिग्री है तो एस एन टू गायब हो जाएगा और ये आपका रह जाएगा ई टू बधाई हो बेटा मैं कसम से दिल खुश हो गया तुम तुम लोगों की परफॉर्मेंस देखकर ई वन एस okay, एन so, वन ओके सो कोई बात नहीं आ, ये आएगा आपका एलिमिनेशन से आ, अब मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता चल गई तुम्हारी बुद्धि एच टू ओ वीक है वीक होता है तो यूनिमोलिकुलर चलता है तो यहां आएगा या तो एस एन वन या ईवन लेकिन डेल्टा दिया हुआ है तो एलिमिनेशन ही करेंगे तो डेल्टा है तो एलिमिनेशन करेंगे तो ये हो गया आपका ईवन मजा आ गया कसम से यहां पर आते हैं वाटर वीक है वीक में यूनिमोलिकुलर होता है एस एन वन या इन हीट नहीं है इसलिए एस एन वन होगा हीट नहीं है इसलिए एस एन वन सब्स्टिट्यूशन थ्री डिग्री एल्कोहल सेम फंडे से अगले के आंसर करेंगे आ, ये है आपका E2, टू वन एस एन वन सीएसएल केवल एस एन टू कर सकता है सीएस सी एल और कुछ कर ही नहीं सकता सी एस ओ एच एस थ्री ओ एच डीएस थ्री ओ एच एल्कोहलिक दोनों ई टू है ये दोनों ई टू है लेकिन यहां सेफ मेजर होगा और यहां हॉफमैन मेजर होगा ये जो बेस है ये एच जब लेगा तो इस केस में आपको टर्सरी ब्यूटेनोल भी मिलेगा फोर्थ के सेकेंड में बड़ा वाला जो बेस है वो एच लेगा तो टर्सरी ब्यूटे भी मिलेगा ओ माइनस एच लेगा ये एक मजेदार चीज है एनएर स्ट्रॉन्ग है एनएआर जो है वो स्ट्रॉन्ग है ओके ये स्ट्रांग है और स्ट्रांग करता है बायोमोलिकुलर ई टू या एसेंटू यह भी स्ट्रांग है ये भी करेगा E2 या एसेंटू अब ये लीनियर वन डिग्री है इसलिए इसमें एसेंटू होगा ये लीनियर वन डिग्री है <laughs> इसलिए इसमें एसेंटू होगा ओके विलियमसन ईथर में हमने किया भी है तो यहां पर आपका आंसर ये आएगा ओके okay. यहां आते हैं। ये स्ट्रांग है E2 टू एंड एसेंट बहुत आराम से देखें ये वन डिग्री तो है बट ये लीनियर नहीं है यहां एलकीन स्टेबल बनेगी और एन ए आर स्ट्रांग बेस होता है तो जैसे ही एल्कीन स्टेबल बनी और बेस स्ट्रांग है तो यहां E2 डोमिनेट कर जाता है मैंने एक लाइन भी लिखाई है ब्रांचिंग फेवर्स एलिमिनेशन ब्रांचिंग फेवर्स एलिमिनेशन प्लस आरओ मजेदार चीज यह है कि एनएसआर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल है स्ट्रांग न्यूक्लियो है तो यहां एसेंटू होगा यहां एसेंटू होगा लाइन आपकी कॉपी में फेवर एलिमिनेशन बेस अच्छा होना चाहिए बेस अच्छा होना चाहिए तो यहां ये आंसर आपका डोमिनेटिंग होगा बाकी आप ये ई टू है दोनों सर्जेफ मेजर हॉफमैन माइनर यहां पर आते हैं यहां हॉफमैन मेजर ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन सबसेड्यूशन वर्सेस जो केस था एडिहाइट की टोन हमने किया था निक्लिफ्लिक एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग बातें की थी इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे ओके okay. आंसर लिख देता हूं मैं इन सबके आई होप आपने आंसर बनाया होगा पी एच थ्री डबल बॉन्ड एन पी एस ए प्लस पी सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री ये आ जाएगा आपका इमाइन कौन सी कैटेगरी है ये इमाइन यहां ऑक्साइम आएगा दो आंसर बनाऊं क्या सब में या आप बना लोगे दो ऑक्साइम लोन पेयर नहीं आप बनाओ या ना बनाओ वो तो रहेगा वहां पर आप लोन पेयर बनाओ या ना बनाओ वो तो रहेगा ही ना भाई मेरे भाई हाइड्राजोन ये जीआई कर रहा है इसलिए दो बनेंगे भी रिएक्शन के दौरान हाइड्राजोन ओहो पिनाइल हाइड्राजोन एनएच पी एच कर लोगे यार दो दो मुझसे मत बनवाओ एन एन एच पी एच हाइड्राजोन फिनाइल हाइड्राजोन ये भी हाइड्रोजोन सेमी कार्बाजोन मैं यहां दो बना नहीं रहा हूं बट आंसर में दो ही आएंगे आंसर में दो ही आएंगे सेमी कार्बाजोन सेमी कार्बाजोन आयुष सबसे क्वेश्चन आता है सब करना पड़ेगा यह बढ़िया क्वेश्चन था क्या तुम मुझे बताओगे कि पहले आपने NH2 टू ये यहां कंडेंस किया या नहीं ये बताओ एक कार्बोनाइल से कंडेंस किया एन एच टू एक कार्बोनाइल से फिर क्या NH2 टू एक जो बचा है उसे बचे वाले ऑक्सीजन से कंडेंस कर दो और क्या जब ये कंडेंस करोगे तो ये आएगा या नहीं और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये बीच के एच के साथ टोटोमराइज हो जाएगा या नहीं और अगर ये टोटोमराइज हुआ तो आपको जो जवाब मिलेगा वो है एन डबल डबल एन एच देखो मगर बोर्ड पर यह एरोमेटिक है यह एरोमेटिक है बहुत सिंपल है यार ये ऊपर से जाके ऐसा कंडेंस हो गया दोनों से क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि इसके एनएच को हमने ओ बना दिया इसके एनएच को हमने ओ बना दिया भाई एनएच टू था ना एनएच टू में एक एच अलग रखो और एनएच को ले लो उम्मीद करता हूं कि आप इंसान जैसा बिहेव करोगे क्या इस एनएच को ओ बनाते ही सेम आंसर एरोमेटिक आ जाएगा या नहीं यह एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है बाकी आपकी मर्जी बाकी आपकी मर्जी क्लियर है आइए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं थर्टीन ये भी एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई इसमें अमोनियम कार्बोनेट क्या आपको पता है अमोनियम क्या है अमोनिया और H प्लस अमोनिया एंड H प्लस प्लीज लुक एट बोर्ड क्या अमोनिया एक में कंडेंस हो गया जाके एनएसटूजेट जैसा एक से कंडेंस हो गया कंडेंस हो गया एक से अब देखने सोचने समझने वाली बात यह है कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल दोनों इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं तो एक टोटोमराइज हो जाएगा एनएच वाले को टोटोमराइज कर लो एनएच वाले को टोटोमराइस कर लो सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये फिर क्या वही केस बन गया डबल बोन्डो के सामने एनएच टू क्या ये फिर से वही केस बन गया डबल बॉन्डो के सामने एनएच टू और ये फिर कंडेंस हो जाएगा वाटर निकलेगा देखो मगर बोर्ड पर ये हो गया कंडेंस समझदार के लिए काफी सारा क्या ये दो एच से ये टोटोमेरिज्म कर लेगा या नहीं और अगर इसने टोटोमेडिज्म कर लिया अगर इसने टोटोमेडिज्म कर लिया मेरे भाई आपको फिर से मिलेगी एरोमेटिक प्रोडक्ट ये देखिए एक एक स्टेप आपके सामने लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक पूछ रहा है इसमें कार्बोनेट का क्या काम है जो ओ OH एच लेते समय एन एच में एनए का काम होता है वही कोई किटाइन है तो एनआईन के साथ तो आएगा ही ना मेरे भाई यहां एक्चुअली अमोनिया एंड एच प्लस है अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली अमोनिया एंड एच प्लस है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमोनिया के एन एच को ध्यान से सुनना अमोनिया में एन और एच को मैं सल्फर बना दूं तो क्या ये एच टू एस हो जाएगा या नहीं सारे बताओ अमोनिया में एनएच को अगर मैं सल्फर बना दूं तो एच टू एस हो जाएगा या नहीं NH को अगर मैं सल्फर बना दूं, एनएच को अगर मैं सल्फर बना दूं, तो क्या आप NH को यहां सल्फर लिख भी सकते हैं सीधा अगला क्वेश्चन समझ में आया क्या अगला क्वेश्चन भेजे में गया क्या अब तो हम बात करेंगे फिफ्टींथ की जिसमें आप मुझे बताओगे आप मुझे बताओ फिफ्टींथ में अमोनिया किस कार्बोनाइन पर पहले अटैक करेगा सोच के बोलना ऊपर वाले पे बोलनाथ में या नीचे वाले पे अमोनिया किस कार्बन पे पहले अटैक करेगा अमोनिया किस कार्बन पे पहले अटैक करेगा ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे एंड बधाई हो नीचे वाला इज राइट चॉइस बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि इसके प्लस को बेंजीन खत्म कर रहा है रेजोनेंस करके और जबकि यहां का जो प्लस है वो रिलेटिवली ज्यादा है क्योंकि बेंजीन खत्म नहीं कर पा रहा है इसलिए अमोनिया का अटैक यहां होगा वेरी गुड तो क्या आप यह समझ गए हैं कि सबसे पहले यहां पर अमोनिया जाकर कंडेंस हो जाएगा अभी हमने किया सेम क्वेश्चन ही किया सेम क्वेश्चन किया भाई यहां अमोनिया जाकर कंडेंस हो जाएगा अब दोनों साइट हैं तो एक टोटोमराइज हो जाएगा नीचे वाला जो है ये टोटोमराइज हो गया और फिर क्या आपको वही दिखने लगा कार्बोनाइल और NH2 बताओ जरा और फिर क्या ये कंडेंस हो जाएगा या नहीं यहां से वाटर निकल जाएगा एंड वाटर निकलेगा तो क्या आपको डबल बॉन्ड एन ये मिलेगा या नहीं सारे बच्चे बोलो फिर एरोमेटिक आ गया फिर एरोमेटिक आ गया और ये फिर से आई टी जाए एडवांस के पैराग्राफ में आया हुआ क्वेश्चन है या आई टी जाइए एडवांस के पैराग्राफ में आया हुआ क्वेश्चन है आदर सोच सकते हैं बट ऊपर अटैक ही नहीं करेगा मेरे भाई इन दोनों डबल की जगह हम ऐसा खूबसूरत सा रिंग बना सकते हैं तुमको मालूम है वैसे कि दोनों सेम ही थे ये है पंद्रह का आंसर चलिए बधाई हो आज हम न्यूक्लियोफ्लिक एडिशन और हीटिंग इफेक्ट खत्म करने का प्रयास करेंगे आइए रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन देखें ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ये इंटरेस्टिंग है विद सेकेंडरी अमीन इनेमाइन इनेमाइन इज ऑप्टेंट इनेमाइन इज ऑप्टेंट एज ए प्रोडक्ट इसका क्या मतलब है ये समझते हैं सारे लोग देखिए मैंने मैकेनिज्म के बारे में आपको बोल दिया था ये प्राइमरी अमीन जैसी ही मैकेनिज्म है इसकी ये NH, एन एच जेड जेड यहां भी pH हम इसके बीच का ही लेंगे एंड आंसर पर चले उससे पहले एक एक स्टेप सही है केवल लास्ट में जाकर मोजा आता है अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने H प्लस लिया था ताकि ये प्रोटोनेट हो जाए और इसकी इलेक्ट्रोफ्लिसिटी कार्बन की बढ़ जाए और ऐसा बढ़ जाने के बाद फिर नाइट्रोजन ने कर दिया था अटैक और नाइट्रोजन के अटैक के पश्चात हमें यहां पर एन एच जेड जेड और एन पर प्लस ये रखना पड़ा तो मेरे भाई ये एच प्लस रिलीज कर देगा और ये आ गया सी एस थ्री N एस थ्री ओ एच एन जेड जेड पहले एक जेड था अब दो जेड है ठीक है वंश मैं करवा दूंगा यहां तक बिल्कुल प्राइमरी अमीन का ही काम चल रहा है साफ साफ सब डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको ये ओ एच पर गया वॉटर बन गया एंड वॉटर निकल जाएगा दोस्तों सच बताओ ये यहां तक एक एक चीज सेम है डिफरेंस आया भी तो क्यों आया वो भी दिखेगा तुम्हें ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री ये केट ये एन ये जेड ये जेड मैंने उस समय बताया भी था आपको कि अगर यहां एच होगा तो फिर यहां डबल होके एच हट जाएगा लेकिन आपको पता है एच यहां है ही नहीं एच कहां है मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हो एच इस कार्बन पर है या नहीं तो इस बार ये एच हटेगा और यहां डबल बॉन्ड आएगी देखो सारे बोर्ड पर आपको मिला है एच टू सी 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 एस थ्री एन जेड जेड यहां आंसर लिखने जा रहा हूं आपको जो आंसर प्राप्त हुआ है वो आंसर ये प्राप्त हुआ है देखो मगर बोर्ड पर प्राइमरी अमीन में यहां डबल था सेकेंडरी अमीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये आखिरी स्टेप में ही फर्क है मेरे भाई सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन ज्यादा काबिल रिएक्शन है क्योंकि इसने कार्बोनाइल जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे इनेमीन इन मतलब डबल एमाइन मतलब एमाइन इने माइन में बदला है जो कि क्या है न्यूक्लियोफिलिक जो कि क्या है न्यूक्लियोफिलिक एक इलेक्ट्रोफाइल का पूरा नेचर ही पलट दिया राहुल कह रहे हैं प्लीज स्टार्ट न्यू चैप्टर अभी कर दूंगा बेटा मैं मैं इसे हटाता हूं नया चैप्टर चालू करता हूं और आप फिर कहीं जाना हो तो चले जाइएगा फिर आइएगा फिर नया चैप्टर चालू कर दूंगा भाई बिल्कुल आप जैसा आप बोले हर दस मिनट में मैं नया चैप्टर चालू करूंगा आइए सो दिस इज ऑल अबाउट आप देख सकते हैं इधर डबल नहीं आ रहा है डबल कार्बोनाइल के अंदर ही आ रहा है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां हमने इनेमाइन बनाया है आपका कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफिलिक है ये इंटरेस्टिंग चीज है तो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको अच्छा कार्बोकेटायन बना था आपने देखा होगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट चलिए कुछ क्वेश्चन दे दू आपको जेड बदलूंगा ये सब बदल बदल के दे देंगे उसमें क्या है कुछ नया तो यहां वेरिएशन ज्यादा है नहीं एक्चुअली ये कार्बोनाइल ये एनएच ये पांच की रिंग ये एच प्लस थर्ड ये ऐसा है और ये वैसा है ऐसा वैसा जो है जो है सब सामने हैं आपके यहां एच प्लस डाला तो पी बन गया और इस पे सी एस थ्री आई डाला तो क्यू बन गया ये आइडियोलिस कराइए आर बन गया मेरे भाई अगर आप नोटिस करो तो ये न्यूक्लियो फाइल बन रहा था मैंने कहा मैंने अभी आपको कहा था ये न्यूक्लियो फाइल बन रहा है तो मैंने यहां की कंडीशन दे दी आगे खटखट रिएक्शन लेके चले जाना सिंपल ही तो है भाई एंड एक प्रश्न और दूंगा आपको ऐसे न परेशान होइए मैंने आपको यहां दिया है एन एच ये देखिए मिथाइल एंड इथाइल ये एच प्लस ये आया पी ये है सी एस थ्री ओ सी एल ये आया क्यू सही है और यहां मैंने दे दिया एस थ्री ओ प्लस ये आया आर प्लस एस जय बेटा जाओ तुम भाग कर जाओ अभी जाओ छोड़ दो सब क्लास क्लास केटायन रीअरेंजमेंट पढ़ के आओ एक गधा कह रहा है कि यहां केटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है ना सर यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है ना सर तुम्हारा सपना पता नहीं कुछ है या नहीं बट केटायन का सपना था वो पूरा हुआ था चलिए बधाई हो हमने सेकेंडी अमीन खत्म किया और टर्सरी अमीन आपकी बुद्धि में अगर हो तो सोचिए टर्सरी अमीन ये रिएक्शन सो ही नहीं कर सकता क्योंकि वो अटैक होते ही निकल जाएगा वो अटैक होते ही निकल जाएगा अब आया थर्ड टॉपिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद एल्कोहल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आसान है मैं अब मेकेनिजम में कुछ नया नहीं है एक ही चीज पढ़ रहे हो पिछले दो बार से लगभग एक ही चीज पढ़ रहे हो आप ध्यान से देखें ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल एंड एल्कोहल एल्कोहल क्या क्या बनेगा ध्यान से देखें हेमी एसिटल और एसिटल या फिर ध्यान से देखें हेमी कीटल या फिर कीटल इज ऑपटेन्ड एज अ प्रोडक्ट इज ऑपटेन्ड एज ए प्रोडक्ट ध्यान से देखें ये डिपेंड करेगा कि आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं ये वाकई डिपेंड करेगा आप रिएक्शन किससे करा रहे हैं उस हिसाब से चलेगा दोस्त सारे देखिए आओ बच्चों तुम्हें बताएं ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार चीजों के मैंने नाम लिखे हैं। या तो हेमी एसिटल एसिटल आएगा या हेमी कीटल कीटल आएगा एज ए प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका पहली रिएक्शन आपके सामने आ रही है पहली रिएक्शन मेरे भाई अगर आपने एल्डिहाइड लिया है सारे लोग क्या आपको बताओगे एल्डिहाइड कैसे पहचानते हो क्या आप बताओगे एल्डिहाइड कैसे पहचानते हो उसमें इस कार्बन पर एक एच होगा कम से कम कम से कम एक एच होगा और इस पे हमने कैल्कोहल की रिएक्शन करा दी इस पे हमने कैलकोहल की रिएक्शन करा दी पंडा बहुत सिंपल है मेरे भाई अगर एक एच हुआ तो एक एल्कोहल से जो रिएक्शन करके बनेगा इसी को हम बोलते हैं हेमी एसिटल एक एल्कोहल से रिएक्शन कराने सारे ध्यान से देख लो अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट किया कि आपने कीटोन लिया है आपने कीटोन लिया है यहां एच नहीं होगा फिर उस समय यहां एच नहीं होगा एच नहीं होगा तो फिर आप समझ गए आपका आंसर क्या होगा हेमी कीटल हेमी कीटल होगा आंसर पहचान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलडी हाइड है और ये कीटोन है मेरे भाई आइए थर्ड अगर आपने फेर एल लिया और इस बार दो एल्कोहल ले लिए दो एल्कोहल ले लिए आपने पीछे लगा ज्यादा हो जाएगा अगर दो एल्कोहल लिए तो मेरे भाई ध्यान से देखिए वाटर निकलता है वाटर निकलता है और ये ओ आर वन एंड ओ आर टू ये जो चीज बनेगी एल्डिहाइड से बनी है इसलिए इसे एसी तल बोलेंगे मतलब दो एल्कोहल इसकी फुल कैपेसिटी है और एक एल्कोहल इसकी हाफ आधी इसलिए हेमी बोल रहे हैं हेमी एक एल्कोहल में हेमी दो में हेमी हट जाता है यह है एसेटल मेरे भाई R1 R2 सेम भी हो सकते हैं R1 R2 सेम भी हो सकते हैं R1 R2 सेम भी हो सकते हैं अब अगर आपने कीटोन लिया और फिर आपने ले लिया दो एल्कोहल अब अगर आपने दो एल्कोहल लिया है भाई तो जल निकल जाएगा दो एल्कोहल लेने पर अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं भाई ये आया ओ आर वन ये आया ओ आर टू और आप देख सकते हैं यह जो चीज बनी है ये कीटल है ये जो चीज बनी है पीछे यहां तो नहीं यह कीटल है ये है कि टल मेरे भाई आइए आर वन आर टू यहां भी सेम हो सकते हैं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा हम अगर आपको दोनों एल्कोहल जोड़ कर दें अगर दोनों एल्कोहल जोड़ कर दें तो फिर जल निकल जाएगा जल का क्या है दो एल्कोहल लीजिएगा तो जल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना ये देखिए अब आपको साइक्लिक कीटल मिला है साइक्लिक कीटल है कैसा कीटल है भाई ये है साइक्लिक कीटल ठीक है आइए खटाक से इसकी मैकेनियम लिखते हैं मैकेनियम में कुछ नया नवेला है नहीं मैकेनियम जैसे आपने अमोनिया वाली की थी आई मीन प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन वैसे ही चालू होगी हम वो आर वन आर टू वाला कुछ भी ले लेते हैं ठीक है ना सी डबल बॉन्डो पहले एच प्लस किस लिए डाले थे जल्दी बताइए पहला एच प्लस तो इलेक्ट्रोफिस बढ़ाने के लिए डाले थे भाई फिर हमने एल्कोहल वहां लिया था एमीन यहां लिया एल्कोहल एल्कोहल अटैक कराया बिल्कुल मैच करा सकते हैं आप एक एक स्टेप तो मेरे भाई ये आया ओ एच ये आया ओ आर ये प्लस वहां एन पर प्लस आया था याद करो ये छोड़ देगा ये छोड़ेगा तो आएगा ओ एच एंड ओ आर क्या ये हेमी कैटेगरी आ गई या नहीं देखो हेमी कैटेगरी आ गई एक ओ एच एक ओ आर हेमी कैटेगरी लेकिन अगर आप फुल ऑन एल्कोहल लेने के मूड में तो अब एच प्लस कहां जाएगा अब एच प्लस जाएगा ओ एच पे और कर भी कोई रोक नहीं पाएगा जल निकल जाएगा बिल्कुल सेम स्टेप है भाई साहब बिल्कुल सेम स्टेप है और क्या कैटायन का पूरा होगा सपना क्या कैटायन का पूरा होगा सपना हां भाई हां कैटायन का तो सपना पूरा होगा ही और इस पर फिर से एक और एल्कोहल अटैक करा दो भाई एक और एल्कोहल जो है वो अटैक करा दीजिए अब तो फुल ऑन कैपेसिटी में आया है ना ये इधर भी ओ आर इधर भी ओ आर एंड ये प्लस और ये लूज कर देगा क्या लूज कर देगा एच प्लस बन गया ना जी देखिए यही तो है इसी को तो बोलते हैं कीटल कीटोन है तो कीटल ये सारी रिएक्शन की ट्रिक भी है पहचानना भी आना चाहिए मैकेनिज्म भी हमने कर ली है अब आप लाख बोलिए लेकिन नोट तो लिखना ही होगा क्योंकि नोट में इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं क्या आपने देखा कि बीच में सपना पूरा हुआ था कार्बोकेटायन का तो कार्बो इंटरमीडिएट है यहां पर और अब हम लिखेंगे लाख टके की बात क्या है सुनिए हेमी हो हेमी हेमी ऐसे तल हो या मेरे भाई हेमी की टल हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत आर हाईली अनस्टेबल लो जी कर लो बात बहुत आर हाईली अनस्टेबल इन ध्यान से देखना एसिडिक इन एसिडिक एज वेल एज इन ओ भाई साहब एसिडिक हो या बेसिक क्या समझ गए आप एसिडिक हो या बेसिक दोनों कंडीशन में हेमी एसेटल अनस्टेबल होता है देखो मगर बोर्ड पर पांच रिएक्शन इधर करे हैं छठा आप देख लीजिए छठा आप देख लीजिए भाई आइए आपको दिखाते हैं मान लीजिए आप लेकर आए हैं हेमी तो हेमी में एक ओ एच होता एक ओ आर होता और आपने ले लिया एच प्लस देखिएगा तो देखिए मैकेनियम हवा में ही हो जाएगी चाहे तो घर जाकर लिख भी सकते हैं बताइए जरा H+ प्लस ओ आर पर इलेक्ट्रॉन लेने गया तो बताइए O पर प्लस आएगा तो क्या एल्कोहल निकल जाएगा ये बैक बॉन्डिंग तो क्या आपको वापस कार्बोनाइल और एल्कोहल मिल रहा है या नहीं तो ये रिएक्शन वापस टूट कर आ जाती है। अजय सच बताइएगा बेस को क्या पसंद है बेस को क्या पसंद है बेस को यस <coughs> yes, आयुध। बेस को क्या पसंद है बेस को पसंद है एच एसिडिक एच अब अगर ये एच ये ले लेगा तो क्या ये ओ माइनस मुस्कुराने लगेगा या नहीं बस ये बता दो क्या ओ माइनस मुस्कुराने लगेगा या नहीं बाकी समझ गए हैं ना जी लात मार दीजिएगा ओ आर को आपको तो मिल जाएगा ये देखिए टूट जाता है हेमी सिटल हो या हेमी कीटल या फिर हो आपका टूट जाता है मीडियम हो एसिडिक या बेसिक जाता है हा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब इसको ना भूल पाएंगे इतना इंपॉर्टेंट है आइए ध्यान से देखिए अभी हम बात करेंगे हेमी के बाद एसिटल एंड कीटल की एसिटल एंड कीटल बहुत आर हाईली अनस्टेबल एंड Gives carbonyl on hydrolysis. On hydrolysis. से से गेट्स कार्बोनाइल ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन हाइड्रोलिसिस सारे लोग देखें अनस्टेबल थे एंड गेट्स डिकम्पोज ये लाइन ऐड कर देते हैं एंड टूट जाता है वह एसिडिक मीडियम एसिटल कीटल के लिए देखो बहुत बढ़िया हैं। आइए देखिए मेरे भाई एट क्वेश्चन देखिए यह आप पढ़ रहे हैं ओ आर वन ओ आर टू यही तो एसिटल या कीटल है यह अनस्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में और यह टूट जाएगा हाइड्रोलिसिस करिए क्या ये पूरी वही मैकेनिज्म है जो हमने पीछे की है आपने नोटिस किया हमने जो पीछे मैकेनिज्म की थी वो पूरी रिवर्सिबल थी शुरू से लेकर आखिरी तक शुरू से लेकर आखिरी तक और जो अभी इसकी मैके एच प्लस जाएगा एल्कोहल निकलेगा निकल जाएगा उस पर वाटर अटैक करेगा सब कुछ सेम उल्टा है रिवर्ट And अब आया ऐसा पॉइंट जिसको चाह कर भी नहीं भुला पाओगे समझ रहे हो चाहो कितना भी भूला ना पाओगे इसको क्योंकि मेरे भाई इस पॉइंट में है ही कुछ ऐसा एसिटल एंड कीटल बहुत आर हाईली बहुत आर हाईली स्टेबल बहुत हाईली स्टेबल इन मजाले किसी की बेसिक कंडीशन में टच कर सके बेसिक कंडीशन में टच नहीं कर सकते ए बेसिक कंडीशन में एसिटल हो या कीटल छूना मना है अरे बेस कर ही क्या लेगा भैया ईथर भी, भी न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल ए तुम भी न्यूक्लियोफाइल नूनू रिएक्शन होती नहीं तुमको मालूम है तो मेरे भाई कोई तोड़ नहीं सकता कोई तोड़ नहीं सकता लुक एट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा एक मजेदार चीज सुनना एक बच्चा आया कह रहा सर बेसिक मीडियम में कोई टच नहीं कर सकता मैंने कहा यस कह रहा और एसिडिक मीडियम में इसे हाइड्रोलिसिस करके हम वापस कीटोन ला सकते हैं मैंने कहा यस ध्यान से सुनना आईआईटी में क्वेश्चन आएगा आईआईटी में क्वेश्चन आएगा सुनना क्या एसिटल और कीटल का फिर हम यूज कहां करते हैं किस लिए करते हैं इस पॉइंट से हमें एक जबरदस्त चीज दिमाग में आ रही है बताना चाहता हूं सुनना फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल एसिटल और कीटल इज यूज इन ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन बेसिक कंडीशन सारे लोग ध्यान से सुनना इस रिएक्शन का प्रयोग एक कार्बोनाइल कंपाउंड को बचाने के लिए कर सकते हैं प्रोटेक्शन में कर सकते हैं जला हो जाए एग्जाम्पल इसी बात पे, बिल्कुल देखिए जरा सारे लोग क्वेश्चन देखिए ये है कार्बोनाइल और ये है एल्डिहाइड। एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है सारे लोग देखिए या कुछ और ले लेते हैं दोस्त हाँ कुछ और ले बढ़िया सा बोलो ठीक था, था अब मान लो मुझे इससे ये बनाना है मान लो मुझे इससे ये बनाना है सारे लोग देखो मुझे ये बनाना है तो क्या कोई भी अंधा आदमी भी ये बता सकता है टटोल कर कि सीएसरी बाहर से आया सीएसरी बाहर से आया एंड मेरे भाई ये हम आगे पढ़ेंगे कार्बोनाइल पर अगर हम सीएस एम डालें तो ऐसा एल्कोहल ही बनता है और सीएसरी बाहर से आता है यह भी हम आगे पढ़ेंगे यह हम आगे पढ़ेंगे टेंशन मत लेने का कीटोन पे ऐसा ग्रिगनाड डालेंगे तो थ्री डिग्री एल्कोहल बनता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई ग्रिगनार कीटोन से जल्दी एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा कीटोन से जल्दी एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और तुम्हें एल्डिहाइड बचाना है पहले प्रॉब्लम को समझो फिर सोल्यूशन का आनंद उठाओ आपको भी पता है कि कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए ये डालोगे तो स्पेटैक करेगा हमको इसको बचाना है भाई और ये बचेगा नहीं तो हमारा टास्क पूरा नहीं होगा तो क्या आप प्रॉब्लम समझ गए हो पहले प्रॉब्लम बताओ क्या आप समस्या समझ गए हो प्रॉब्लम को समझ गए हो वेल्डन सुजल आओ बच्चों तुम्हें बताएं अगर तुम प्रॉब्लम को भली भांत समझ चुके हो तो सुनो नीचे एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज आई टोल्ड यू क्या मैंने तुम्हें बताया था कि ये ज्यादा रिएक्टिव है बताया था ना भाई बोलो तो क्यों ना नीचे वाले को प्रोटेक्ट कर लिया जाए नीचे वाले को प्रोटेक्ट कर लिया जाए चले नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है इसी बात का फायदा उठाते हैं आओ क्या आप मानते हो कि अगर मैं एक इक्की वैलेंट ये डाल दूंगा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सारे बोलना एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा जगह बचाने के लिए थोड़ा घुमा लिया है जगह बचाने के लिए थोड़ा घुमा लिया है एलिहाइट को प्रोटेक्ट कर लिया है हमने मार दो खींच के मुंह पे ग्रिगनार्ड सेम जी बी आर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ग्रिगनार्ड बेसिक मीडियम में ही काम करता है इसलिए यह इसे टच भी नहीं कर सकता नो no रिएक्शन दोस्त टच नहीं करेगा एंड ग्रिगनार्ड जाएगा कीटोन को रिड्यूस कर देगा कीटोन को रिड्यूस करेगा ओ माइनस एमजीबीआर प्लस और ये एक CS3 यहां देखने को मिलेगा सारे बच्चे देखो मेरे भाई अब हमारे पास दो टास्क हैं। मुझे इधर एच लगाने का है तो बाहर से मैं एच प्लस डालूंगा तो ऊपर वाला सेगमेंट तो आ गया अभी नीचे वाला सेगमेंट मेरे को खुला चाहिए खुला चाहिए एकदम खुला। तो क्या आपको पता है सिटल पर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या कार्बोनाइल वापस निकल के आ जाता है या नहीं तो मौका है अच्छा क्यों ना हम इसके मुंह पे H+ प्लस यहां के लिए मार रहे थे नीचे के लिए जल भी मार दें। तो क्या आप देख पा रहे हैं आपको मिल गया वो जो आपको तलाश थी और इस तरीके से हमने एल को प्रोटेक्ट कर लिया है बहुत नेक काम करता भाई साहब प्रोटेक्शन सोचिए किसी को बचाना कितना नेक कार्य है आ, सम्मान होना चाहिए आपकी निगाहों में एसीटल और कीटल के फॉर्मेशन के लिए बेसिक मीडियम में ही बचा पाएगा लेकिन अगर एसिडिक वाली रिएक्शन कराई होती तो बचा नहीं पाता क्योंकि एसिडिक मीडियम में इससे भी रिएक्शन होती इससे भी हो जाती ये आपकी खूबसूरत सी रिएक्शन और हमने कर लिए सारे पॉइंट्स पांच पॉइंट्स थे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहूंगा सिक्स फॉर्मेशन ऑफ ये पॉइंट ध्यान से सुनना साइक्लिक हेमी एसिटल कीटल या फिर साइक्लिक एसिटल और कीटल is more favorable, is more favorable than formation of than formation of a cyclic. मेरे भाई इसका मतलब समझो थोड़ा सा समझ गए क्या मतलब क्या बोला गया है समझे यहां बोला जा रहा है मित्रों कि अगर आप कभी साइक्लिक आ, बना रहे हैं हेमी एसिटल एसिटल और कीटल तो वो ज्यादा फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ फाइव और सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक एसिटल और कीटल ये ज्यादा फेवरेबल होगा देन ओपन चेन चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं लुक एट दिस अलेवेंथ मेरे भाई जैसे इसे देखिएगा ये है कार्बोनाइल और ये है ओ एच देखते रहो देखते रहो देखा गया आपने आइए मेरे भाई जैसे ये देखें यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां कार्बोनाइल भी उसी कंपाउंड में है जिसमें अल्कोहल है तो ये इस तरीके से साइक्लिक हेमीएसिटल है ये क्या बन गया बताइए साइक्लिक हेमी एसेटल क्या आपको मालूम है क्या क्या आपको मालूम है ग्लूकोस भी साइक्लिक हेमी एसेटल के फॉर्म में होता है ये देखिए इसमें भी कार्बोनाइल ऊपर है और एल्कोहल कितने सारे हैं रिंग साइज की वजह से रिंग साइज की वजह से ग्लूकोस भी साइक्लिक हेमीएसिटल होता है ये नागिन बॉन्ड है नागिन बॉन्ड मतलब ये ऊपर नीचे दो केसेस में होंगे एक बार ऊपर भी हो सकता है एक बार नीचे भी बाकी सेंटर फिक्स हैं ये आप देख सकते हैं ये आपका ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म में है तो मैं यही यहां पर आपको बता रहा था साइक्लिक हेमी एसेटल बधाई हो हमने सारे छोटे बड़े मोटे पॉइंट्स यहां पर कर लिए हैं और अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर खुशियां मना के अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस जस्ट फॉर प्रैक्टिस यस देखो मगर बोर्ड पर एच प्लस कर लोगे ना भाई बोलिए बोलिए नहीं कर पाओगे तो बता दो ओके मेरे भाई बहुत आसान है मैंने कुछ सल्फर भी ले सकता हूं मैं ऑक्सीजन की जगह पर मानते हो यानी मैं सल्फर भी ले सकता हूं ऑक्सीजन की जगह पर कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं आपको पता है ये आया सिक्सटीन ये आया 17 ये आया एटीन चाहो तो रेट वेट कंपेयर कर लेना दोस्तों चाहो तो रेट कंपेयर कर लेना मैं एलडी हाइट का साइज बढ़ा रहा हूं एलडी हाइट का साइज बढ़ जाने के पश्चात अगर आप ध्यान दें तो ये आया 19, 20, 21 ये कीटोन है ठीक है जी 22 टू सब आसान है यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो परेशान करे आपको ओ OH, एच ओ एच एच प्लस ट्वेंटी थ्री पी एच ओ प्लस ओ एच ओ एच एच प्लस ट्वेंटी फोर ये ओ एच ये ओ एच ये ओ एच प्लस सी एच टू डबल ये एच प्लस अरे बड़े बेहुदा हो यार ये ओ एच से अटैक करेगा साइक्लिक बन गया ओके इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन किए तो जा सकते हैं 25 RCH आर सी एच डबल बॉन्डो ये एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है आ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सोचिएगा इसका आंसर क्या है सी इसे H प्लस डाल दें तो क्या आएगा कुल मिला के ईजी है हो जाएगा भाई बधाई हो बधाई सी एच थ्री सी एच ओ दो मोल ले लीजिए और ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दो एल्कोहल लेने पर अच्छे अच्छे वाटर छोड़ रहे थे याद आया होगा आपको आंसर इज वेरी क्लियर ये आपको मिलेगा एसिटल ऐसे आप सारे प्रश्न कर लेंगे ऐसे आप सारे प्रश्न कर लेंगे एंड सच बताओ एल्कोहल का एडिशन अभी अभी तुमने पढ़ा है अगर एल्कोहल के एडिशन में मैं आर को एच ले लू आर को एच ले लू तो क्या आप वाटर का एडिशन पढ़ लेंगे या नहीं बताइए बताइए सारे बोलिए मेरे भाई ये आप चाहे एडिशन ऑफ वाटर कहें चाहे एडिशन ऑफ कार्बोनाइल करें कहें या फॉर्मेशन ऑफ जमीनल डायोल कहें जमीनल डायोल बचपन से सुनते आ रहे हो कि एक कार्बन पर दो सी डबल दो ओ एच नहीं होते एक कार्बन पर दो ओ एच नहीं हो सकते ये कहां से आई बात नहीं पता है आपको लेकिन आज सच्चाई पर से पर्दा उठेगा डन ओके आइए जरा ध्यान से देखिए यह है पहली रिएक्शन अगर आपने लिया है कार्बोनाइल और आपने आर ओ एच से एच प्लस में ये बनाया था ओ एच एंड ओ आर तो आज मैं आर की जगह एच ले रहा हूं मैकेनियम चालू होते ही खत्म हो जाएगी ये रिवर्सिबल स्टेप था और मेरे भाई ये है जेमिनल डायोल जेमिनल डायोल या इसे जेम डायोल भी बोलते हैं जेम डायोल अब जेमिनल डायोल स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है तो मेरे भाई इसी पर आईआईटी क्वेश्चन बनाता है एक आईडी क्वेश्चन बनाएगा के हाइड्रेशन पर के हाइड्रेशन इस रिएक्शन का जो एक हाइड्रेशन कांस्टेंट है मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यह क्या है बताइए जेम डायोल अपॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सी सी मेरे भाई बहुत आराम से बात को सुनिएगा अब क्लियर हो जाएगा क्यों है ये क्यों होता है ये अनस्टेबल सुनो क्या आप देख रहे हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितने का रिंग बनता हुआ दिख रहा है कितने का रिंग बनता हुआ दिख रहा है बस ये बता दो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितने का रिंग बनता हुआ दिख रहा है बताइए बहुत क्लियरली दिख रहा है चार का चार का एक दो तीन चार तो मेरे भाई चार की रिंग अनस्टेबल होती है इसलिए ये टूट जाता रिएक्शन पीछे आ जाती है तो सारे लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखें जेमिनल डायोल स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी क्या जमरल डायोल स्टेबिलिटी सीधा सीधा के हाइड्रेशन पर फर्क अगर के हाइड्रेशन ज्यादा हुआ यह ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा मानते हो या नहीं एक बात दूसरी बात आया बताओ ये रिएक्शन आगे कब जाएगी आगे जब मेरे भाई यहां प्लस ज्यादा होगा जब यहां प्लस ज्यादा होगा हाँ या ना जब यहां प्लस ज्यादा होगा और यहां प्लस मतलब इलेक्ट्रोफ्लिसिटी इलेक्ट्रो ऑफ कार्बोनाइल सारे लोग देखना आया बताओ इसकी इलेक्ट्रोफ्लिसिटी कौन बढ़ाएगा डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप सारे लोग बताओ इलेक्ट्रोफ्लिसिटी कैसे ग्रुप बढ़ाएंगे बोल दो भाई बोल दो बोल दो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे ग्रुप बढ़ाएंगे देने वाले या लेने वाले प्लस चार्ज कैसे बढ़ाएंगे मेरे भाई ऑब्वियसली विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएंगे एक और चीज यहां चार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है चार का चिलेट बन रहा है अगर हम ऐसा कर दें कि चिलेशन पांच और छह का बनने लगे फाइव और मेंबर्ड चिलेसन इसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पांच या छह मेंबर्ड चिलेसन बनने लगे मेरे भाई एक और चीज है ये तो यूनिवर्सल है आयर स्ट्रेन कम हो रहा है आयर स्ट्रेन वन अपॉन स्ट्रेन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी एक और देसी चीज दिखाएं एक बच्चा आया मेरे पास कह रहा सर ये एंगल एल्फा देखो मैंने कहा देख लिया कह रहा नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि अगर एल्फा कम हुआ कम तो यह दोनों पास में आ जाएंगे और अगर यह ज्यादा हुआ तो यह स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये चार का चिलेशन नहीं होगा फिर तो एल्फा ज्यादा कर दो एल्फा ज्यादा उसका मतलब बीटा कम एल्फा ज्यादा पर यह स्टेबलाइज्ड होगा तो मेरे भाई आप ध्यान से देखें इसी पर कुछ क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं लुक एट सेकेंड एच सी एच डबल बॉन्ड हो एंड ये एच टू हो चैट रुक गई है क्या हां सारे लोग देखें रिवर्सिबल स्टेप है एच प्लस लिया है प्रोडक्ट आप बना ही लोगे एच सी एच ओ एच ओ एच सच बताना जैसे 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 साइज बढ़ता जाएगा बताओ क्या ये एंगल बढ़ता जाएगा या नहीं ये वाला ये एंगल बढ़ता जाएगा और अगर ये एंगल बढ़ता गया तो इधर का एंगल क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो क्या आप मानते हो सबसे ज्यादा एंगल ये वाला इसी केस में आ सकता है क्योंकि इनमें रिपल्सन नहीं है तो ये पास होंगे ये पास तो दूर दूर मेरे भाई इंटरेस्टिंगली आपको जानकर अच्छा लगेगा कि फॉर्मल का जमिनल डायोल 99.9% परसेंट होता है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ये स्टेबल है और इसका के हाइड्रेशन एक से काफी ज्यादा है जैसे ही हम सेकेंड से थर्ड पर आते हैं एक बड़ा ग्रुप आया ये एंगल बढ़ा ओ एच पास में आ जाएंगे इधर और जब ओ एच इधर पास में आएंगे ओ एच जब इधर पास में आएंगे तो मेरे भाई अब ये डेटा डिपेंडेंसी हमको ये मालूम है ये कम तो हुआ है ये आएगा 54 परसेंट ये इंफॉर्मेशन है जो ये तो प्रूफ करता है कि हां ठीक है जिमिनल डायोल स्टेबल है लेकिन एक चीज पक्का क्लियर हो गई भाई साहब क्या बताओ इधर वाले स्टेबल नहीं होंगे इधर वाले बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगे ये आपने जो अभी अभी देखा है ये क्या है बताइए जरा ये अनस्टेबल होगा क्योंकि एक मिथाइल से 99 से 54 आ गया तो ये तो यार क्या आप समझ गए रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी बैकवर्ड बाकी आप घर से करिएगा फाइव सिक्स सेवेंथ एथ <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है यार बहुत आसान है ये नाइन्थ टेंथ चलिए ज्यादा क्वेश्चन हम देंगे नहीं आपको इसी के साथ हमने एडिशन ऑफ वाटर भी खत्म कर लिया है एंड नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ एचसीएन करेंगे एडिशन ऑफ SCN, ठीक है जी तो कल आ, क्लास है हमारी आ, कल क्लास में हम डिस्कशन भी करेंगे आ, और कार्बोनाइल का जो मैंने दिवाली की छुट्टियों में दिया था उनको वो भी डिस्कस करेंगे कॉपी का डिस्कस करेंगे कल नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा आ, कल पहले ये खत्म होगा हीटिंग इफेक्ट खत्म होगा और हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल का सेकंड सेगमेंट रिडक्शन रिएक्शंस और रही बात कोर्स कंप्लीशन की तो भाई देखो तुम्हारे बोलते रहने से तो कुछ होगा नहीं कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल टाइम पर ठीक है ना आपको मिलेंगे बढ़िया एक महीना लगभग रिवीजन के लिए तो बार बार पूछ के अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन ना करें ठीक है आज के लिए ही टाटा बाबा केयर चाल है भाई लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग आ जाइए स्वागत है आप सबका आई होप आपने चीजें देखी होंगी घर जाकर ने किया था एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, इसमें ये क्वेश्चन बनाए क्या आपने वेरी गुड आसिस ये से याद नहीं रहता तो दोबारा याद करो दैट्स रिवीजन मेरे भाई इसमें वाटर जोड़िएगा तो इसमें और बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा यानी कि रिएक्शन बैक साइड रहेगी और के हाइड्रेशन भी लेस देन वन रहेगा यहाँ और बड़े हो गए कार्बन देखिए बढ़ गए और कार्बन बढ़ गए हैं तो सेम ये स्टेबल होगा एंड के हाइड्रेशन लेस देन वन लेकिन तीन की रिंग में आइए यहां कार्बन बहुत कम है कार्बन बहुत कम होने के साथ साथ ये तो फायदे की बात है इस कार्बन पर आप एंगल स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं डबली बॉन्डेड है तो एंगल क्या होना चाहिए 120 है एंगल कितना 60 तो मेरे भाई 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ था इस कार्बन के पास जो यहां ये यह sp3 है है होना चाहिए एक एंगल है कितना 60 डिग्री तो मेरे भाई यहां एंगल स्ट्रेन कम हो गया है सिक्सटी से फोर्टी नाइन तो ये वाला स्टेबल है तीन की रिंग वाला जमिनल डायोल स्टेबल है एंड के हाइड्रेशन ग्रेटर देन वन है एंड एट वाला आई ने कई बार पूछा है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम है क्लोरल या इसी को बोल सकते हैं तीन हैं तो है तो ट्राइक्लोरोहाइट मेरे भाई बहुत आराम से देख इसमें जब अपन लगाएंगे वाटर जोड़ेंगे सीएल एल सी सी एल सी एल सी ओ एच ये दो ओ एच देखिए जा रहा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहां सीएल और एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये जो कंपाउंड है नाम है क्लोरल हाइड्रेट क्लोरल का हाइड्रेट और ये बहुत स्टेबल होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है रीजन आपको बताए दो फाइव मेंबर्ड चिलेट दो फाइव मेंबर्ड चिलेट तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम पैटर्न में नाइन्थ सेम पैटर्न में नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आया बताओ हर कार्बन पर प्लस है यहां पर देखो प्लस, 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 प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस बीच में पार्शियल डैश प्लस तब से ज्यादा प्लस कौन सा है सबसे ज्यादा प्लस कौन सा है बहुत अच्छे आशीष डैश वाला क्योंकि ऊपर वाला भी खींच रहा है नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बीच वाले पे प्लस खूब ज्यादा बढ़ गया ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं ऊपर नीचे वाला प्लस इस प्लस को खूब रिपेल कर रहा है मेरे भाई ये अंतिम क्षणों को अंतिम पल में है और बस इसके मुंह से निकल रहा है जल पानी 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 मेरे भाई जल कितना कीमती है कोई आकर इस बीच वाले कार्बोनाइल से पूछे कोई आके इस बीच वाले कार्बोनाइल से पूछे तो उसे पता चलेगा जल की अहमियत मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर ये फाइव मेंबर्ड चिलेट निन हाइड्रिन हां जल देखे पुण्य काम कर रहे हैं बिल्कुल सही क्या है भाई साहब ये निन हाइड्रिन बोलते हैं निन हाइड्रिन आयल स्टेबल है के हाइड्रेशन गेटर देन वन कैन यू मेक ए गेस टेंथ का स्टेबल आएगा या अनस्टेबल टेंथ का जमनल डायोल स्टेबल आएगा या अनस्टेबल बताओ हर्स रूम टेम्परेचर पे नहीं निकल पाएगा वेडन स्टेबल आएगा और हाइड्रोजन मॉर्निंग भी फ्लोरीन के साथ हो जाएगी वेरी गुड एलेवेंथ में क्या लगता है स्टेबल या अनस्टेबल बोलो जी बोलो एंड ये भी स्टेबल आएगा वही हाइड्रोजन जैसा स्टेबल। चलिए आज दो टॉपिक करने अच्छे अच्छे एडिशन ऑफ एसियन मेरे भाई आपको नाम याद करना पड़ सकता है बट प्रोडक्ट क्या बनेगी कैसे बनेगी वो हलवा है ध्यान दोगे तो सब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एक ही चीज कराई जा रही है on reaction of carbonyl and acn cyanohydrin is obtained as a product cyanohydrin is obtained as a product मेरे भाई ये आया पहला प्रश्न सोचिए जरा आपको बताता हूं कुछ मजेदार तुम लोग गधे की तरह बोलते हो कि और हम कैसे करें सर देखो पहले तुम्हें एल्कोहल अटैक कराया गया राइट तो तुमने एच यहां लगा दिया यहां लगा दिया यही किया था यही किया था ना यही किया था जब एल्कोहल अटैक कराया था फिर फिर मैंने तुम्हें जल अटैक करवाया तब भी यही किया भी यही किया एच यहां ओ एच यहां आ गया और अब अगर मैं आपसे बोलता हूं एड करा दो तो डोंक हम सेम काम ही कर रहे हैं। सेम काम ही कर रहे हैं भाई बाकी आपको समझना होगा मेरे भाई ओ पर एच गया ये ओ एच हो गया और यहां CN आया ये सीएन हो गया मेरे भाई इसी को साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसी को साइनोहाइड्रिन बोलते हैं ओ एच ओ आर आया था एल्कोहल में ओ एच ओ एच आया जमनल डायोल में ओ एसियन आया साइनोहाइड्रिन पर इसकी मैकेनिज्म में कुछ मजेदार है मेरे भाई प्रॉब्लम ये है कि एसियन एक वीक एसिड है एसियन एक वीक एसिड है और अगर ये वीक है तो आप भी जानते हैं कि ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा मतलब सीएन माइनस ज्यादा नहीं मिलेगा तो भाई साहब इसलिए इस रिएक्शन की में थोड़ी गड़बड़ रहती है लेकिन जुगाड़ है भाई साहब आया बताओ इससे सीएन माइनस ज्यादा कम मिलेगा इससे सीएन माइनस ज्यादा कम मिलेगा जब हम क्या करें एच को पकड़ के निकाल ले और H निकालने का एक्सपर्ट कौन है बेसिक कंडीशन इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि अभी तक तुमने जितनी रिएक्शन पढ़ी वो सब एसिडिक कंडीशन में हो रही थी जबकि ये वाली कंडीशन बेसिक हो गई यहां हमें पीएच ग्रेटर सेवन लेना पड़ता है और ये पीएच ग्रेटर सेवन हमें सी एन माइनस देता है ये पॉइंट अभी तक पड़ी हुई तीन री, चार रिएक्शन प्राइमरी मीन सेकेंडरी मीन एल्कोहल एंड वॉटर में एसिडिक कंडीशन थी और यहां आप समझ गए हैं बेसिक कंडीशन की आवश्यकता पड़ रही है सी एन माइनस अटैक करेगा एंड ओ माइनस ये आया सी एन मेरे भाई आप शुरुआत में बेसिक कंडीशन ले लो उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है बेसिक कंडीशन की क्यों डोंट यू थिंक एस सी से ये ओ माइनस देखो अब ये ओ माइनस बेस बन गया एक्चुअली तो ये चले लेगा और यह खुद ही सी एन माइनस जनरेट भी करने लगेगा तो देखो मगर बोर्ड पर देखो मगर बोर्ड पर शुरुआत में बेस लीजिए कुछ सी एन माइनस बनाइए फिर रिलैक्स फिर बेस नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि ओ माइनस जो खुद जनरेट हो रहा है वो बेस का काम करने लगता है दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ एन एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पीएच ग्रेटर देन सेवन ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बस अब मैं आपको कुछ नया नहीं दे सकता इसमें सारे लोग देखिएगा ये है कार्बोनाइल ये है सी एन और यहां पीएच गेटर दिन सेवन अच्छा एक चीज बताओ सारे बच्चे बताना पीएच गेटर देन सेवन केवल सीएन माइनस जनरेट कर रहा है क्यों ना हम सीएन माइनस रेडीमेड ले आए हम सी का सॉल्ट ले आते हैं बी ए सी एन होल्ड ट्वाइस इसमें सी एन बेरियम साइनाइड और एच प्लस के लिए एक ठीक ठीक एसिड ले आते हैं सी एस डबल ये सी एन माइनस देगा ये एच देगा तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे फोर्थ क्वेश्चन में रिवर्स मारते हैं यहां मैं सी एन माइनस इन ए सी एन से ला रहा हूं ये एच देगा वो सी एन देगा देखो मगर बोर्ड पर अगर मैंने क्यू की हाइड्रोलिसिस कर दी तो लैक्टिक एसिड मिल गया आपको पी और क्यू पता करना है रिवर्स मोड में चल के बैक चल के रिवर्स मोड में जवाब देना होगा आपको मेरे भाई ये है सी थ्री और ये है सी एच ओ तो यहां पर हमने एन एसन एस सी एन डाला ठीक है और यहां आ गया आपका P प्लस Q कर लेंगे P डैस प्लस Q डैस कर लो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके राजदीप अभी करते हैं आइए पांचवी एडिशन रिएक्शन थी जिसमें बेसिक कंडीशन ली गई एंड अब देखो फिर से बस नाम बदलेगा काम वही रहेगा एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइट एनएचएसओ थ्री एनएचएसओ थ्री एडिशन करा देंगे ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद NaHSO3 ध्यान से सुनेंगे सोडियम बाय एडिशन हो जाता है ऐड हो जाएगा अब एडिशन कराओगे तो एडिशन ही होगा सोडियम बाय सल्फाइट एडिशन से बना प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडक्ट एडिशन से बना प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडक्ट ऑन रिएक्शन रियक्शन कार्बन एडक मेरे भाई बहुत ही सिंपल है यहां दो तीन चार पॉइंट है जो मैं चाहूंगा आप ध्यान से देखेंगे फिलहाल पहला प्रश्न आया कोई बताएगा क्या कि यहां हमें कैसा पीएच लेना चाहिए जेस्ट मी अबाउट किस तरीके का पीएच मैं यूज करूं किस तरीके का पीएच मैं यूज करूं बोलो जी सारे बताओ चलिए आइए वेरी गुड योगेश वेरी गुड मोहम्मद वेरी गुड बहुत मजेदार चीज है केशु वेरी गुड हमें यहां किसी बेस किसी पीएच कंडीशन की आवश्यकता है ही नहीं पढ़े गए पांचों अभी तक पढ़े गए पांचों में आपका कंपाउंड कोवैलेंट था प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन एल्कोहल वाटर एसियन ये पहला कंपाउंड है जो सॉल्ट है आयनिक है ये पहला कंपाउंड है जो सॉल्ट है आयनिक है ये ऑलरेडी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये ऑलरेडी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं यहां किसी भी पीएच की आवश्यकता है ही नहीं सारे देखो बोर्ड पर यहां कोई पीएच की कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है यहां एक और मजेदार चीज है एनसीआरटी में कई एनसीआरटी में यह रिएक्शन गलत इसका प्रोडक्ट गलत लिखा हुआ ये बाय सल्फाइट ये बाय सल्फाइट और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम और बना सकते हैं जब ऑक्सीजन ने सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दिया अब दो हैं, एक ऑक्सीजन की एक सल्फर की यह आया कार्बोनाइल सिंस वी ऑल नो that sulfur is a better nucleophilic site then it must so attack and o minus and ye aa gaya aapka SO3H h मेरे भाई ये O- minus base है और ये OH का H acidic है तो वो चुरा लेगा इस H को और यहां आएगा SO3 थ्री ओ माइनस जिसके बाजू में एन ए प्लस आ जाएगा ये है वो सोडियम बाय सल्फाइट एडक्ट मेरे भाई एनसीईआरटी में कई जगह ये प्रोडक्ट ऐसा लिखा हुआ है ओ एसओ टू एन एस ओ टू एन ए ये गलत है एस ओ टू नहीं आएगा ऑक्सीजन से अटैक नहीं करता मेजर प्रोडक्ट सल्फर से अटैक करता है मेजर प्रोडक्ट सल्फर अटैक से आता है यू आर राइट नहीं नहीं आप न्यूट्रल कंडीशन मत बोलो आप समझ नहीं रहे मेरी बात इसमें जो कंडीशन है वही कंडीशन रहेगी एडिशनली तुम्हें ना तो इसे एसेडिक करने की जरूरत है एंड ना ही इसे बेसिक करने की जरूरत है वट आई एम सेंग ये कह रहे हैं इसका मतलब कंडीशन न्यूट्रल है आई एम नॉट न्यूट्रल कंडीशन मैं कह रहा हूं देर इज नो एनी नीड ऑफ यूज एसिडिक और बेसिक एक्स्ट्रा एसिडिक और बेसिक कंडीशन फ्रॉम एनी आउटर सोर्स सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन सोडियम बाय सल्फाइड इसको मैं हटा ही देता हूं ठीक है जी अच्छा अब मोजेदार बात यहां बहुत सारी है यस yes. मजेदार बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यह छोटा मोटा नहीं है यह बड़ा वाला है साइज देखिए इसलिए यह सबसे रिएक्शन नहीं करेगा यह जब इस कार्बन पे अटैक करने गया तो यहां लगी हुई चीजें इससे रिपेल कर सकती हैं यहां लगी हुई चीजें इससे रिपेल कर सकती हैं इसलिए ये तभी रिएक्ट करेगा जब यहां बहुत बड़ी चीजें ना हो लाइक एनएच थ्री रिएक्ट विथ ऑल एल्डिहाइड्स ऑल एल्डिहाइड एल्डिहाइड में एक एच होता है तो एक तरफ तो छोटा ही गया ना भाई दूसरी बात बात कीटोन की करते हैं आया और आओ कीटोन में सबसे छोटा क्या, क्या हो सकता है एक तरफ सबसे छोटा क्या हो सकता है सारे बोलो वेल सी स्त्री हो सकता है वेरी गुड तो ये कंपलसरी है अगर सोडियम बाय सल्फाइड से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो मीथेन होना जरूरी है आई मीन मिथाइल ग्रुप एन आई थी विथ ओनली मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन्स एंड साइक्लिक कीटोन्स साइक्लिक कीटोन में क्या होता है चीजें आके क्लोज हो जाती हैं तो रिपल्सन ज्यादा रह नहीं जाता रिपल्सन ज्यादा रह नहीं जाता ओके साइक्लिकिटोन छोटी छोटी बातें हैं अब मजेदार बात आपको बताऊंगा मजेदार बात फोर्थ अब आपने देखा कि अगर मैं आपको ये दूं और मैं आपको यह दूं तो बताओ सोडियम बाय सल्फाइड किससे रिएक्ट करेगा बताओ सोडियम सल्फाइट किससे रिएक्ट करेगा यस स्वयं यू आर राइट बताओ फर्स्ट से इससे रिएक्ट करेगा इससे नहीं करेगा यू आर राइट एब्सोल्यूटली करेक्ट मेरे भाई आपने आपको मैंने बताया था क्रिस्टल बनते हैं क्रिस्टल और इसकी वजह से इस रिएक्शन को यूज किया जाता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स जो क्रिस्टल बनाएगा मिथाइल कीटोन जो नहीं बनाएगा नॉन मिथाइल कीटोन मेरे भाई डिस्टिंक्शन के लिए वही रीजन काम का है जिसमें एक से रिएक्शन हो रही हो और एक से रिएक्शन ना हो रही हो समझ में आया या नहीं ये रिएक्शन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा जी एक लास्ट अंतिम पॉइंट है देखें क्रिस्टलाइन एडक्ट क्रिस्टलाइन एडक्ट जो बन रहा है कैन बी डिकम्पोस्ड बैक एन टू कार्बोनाइल एन कंडीशन वापस पटक के आप कार्बोनाइल निकाल सकते हैं कुछ क्वेश्चन लो और खुशियां मनाओ मुझको भी बताओ येडीहाइड है ये सोडियम बाय सल्फाइट है और ये P प्लस क्यू क्या है ठीक है कर लोगे जी मुझको ऐसा लगता है कि आप कर तो लेंगे ये आया एसीटोन द स्मॉलेस्ट कीटोन ये आया ब्यूटेनोन ये आया टू मिथाइल आई मीन पेंटेन टू ऑन देखो मगर बोर्ड पर एल्केलाइन कंडीशन मींस होता है एक्वस हाँ एल्कली मेटल का एक्वस सोल्यूशन मतलब वही आ जाएगा आपका बेसिक कंडीशन आशीष क्या समस्या है भाई क्या ये पी और क्यू बना लोगे आप ऐड करो तो जब ऐड करोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा एस ओ थ्री एन और यहां आएगा सी थ्री एच ओ एच आई मीन वही है थोड़ा फेसर में लिख दिया यार सुंदर लग रहा था मुझको तो मैंने फेसर में लिख दिया ये पहले सेकंड का आंसर है ये सेकंड का आंसर है हाँ जी नो रिएक्शन ही बोलेंगे आशीष सेवेंथ का आंसर नो रिएक्शन है देवान्श का आंसर नो रिएक्शन है। देवांश का डाउट सुनोगे देवांश कह रहे हैं एल्डिहाइड को रिएक्शन करने से क्या चीज रोक रही है तुम्हारी बुद्धि एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर ही रहा है ना अरे एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड को कौन रोक रहा है, है? करिए इसे लिख लीजिए चलिए गौरव हैं कह रहे हैं एर्थ में तो पी नहीं आना चाहिए अब मैं प्रूफ करता हूं कि तुम लोग कितने चुनिंदा क्वालिटी के हो रिएक्शन इज ड्यू हाँ रिएक्श ओ ओनली मिथाइल कीटोन एंड साइक्लिक कीटोन्स एंड साइक्लिक कीटोन्स, एंड साइक्लिक कीटोन्स। तो भैया इन्होंने कहा वो तो नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा इसी के साथ न्यूक्लियोफ्लिक एडिशन टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया न्यूक्लियोफ्लिक एडिशन टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया एक इंपॉर्टेंट uh, और आसान टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं हेटिंग इफेक्ट हेटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट और आज ये खत्म करके हम रिडक्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है हीटिंग इफेक्ट में आपको पता है क्या करना है हीटिंग uh, इफेक्ट में अलग अलग, अलग चीजों को हम हीट कर रहे होंगे लाइक like, पहला ध्यान से पॉइंट देखें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये ये है बीटा ग्रामा अनसेड कार्बोक्सिलिक एसिड सारे लोग देखें मतलब समझें और मजा आएगा इसमें ऐसी चीज है बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिड को हीट भी नहीं करना होता इन एसिड को हीट भी नहीं करना पड़ता हल्का सा गर्म कर दीजिए जेंटल हीट स्लाइट वॉर्म कर दीजिए बस बीटा गामान सेचुरेट कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स डी कार्बोक्साइलेट ओ सीओ टू छोड़ देते हैं गेट्स डी कार्बोक्साइलेटेड ऑन जेंटल हीटिंग जेंटल हीटिंग समझ रहे हो जरा सा क्या है ऐसा खास हाथ से घिस दें अब्दुल कह रहे हैं हाथ से घिस दें तो क्या हो जाएगा हाँ दोनों हथेलियों के बीच में रख के ऐसे ऐसे घिस दीजिएगा तो हल्का गदम होते ही टू निकल जाएगा डे कहीं का यहां बुद्धि लगाना है यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है हाथ से घिस दें ये कर दें वो कर दें आइए और ध्यान से सुनिए सारे बच्चे सुने मैं जनरल टाइप बना लेता हूं इसमें बहुत मजेदार है हर साल क्वेश्चन आता है देखो जरा ये है भाई मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है ये एसिड है अब ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन बहुत आराम से सुनेंगे ये कह रहा बीटा और गामा में अनसेचुरेशन चाहिए देखें ये एटम लगाए मान लेते हैं ए एटम लगाए बीटा पर बीटा पर कोई एटम है ए वो आपको क्वेश्चन में दिखेगा सही है कह रहा बीटा और उसके आगे आएगा गामा उसके बीच में अनसेचुरेशन चाहिए मेन कॉन्सेप्ट है कि बीटा के आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं ये पा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं याद रखना मैंने कहा लोन पेयर भी हो सकता है फिलहाल मैं यहां पर अनसेचुरेशन मतलब डब पाए बॉन्ड बना दू और ये बी एटम बी एटम है जो हम गामा एटम मान रहे हैं सारे लोग ध्यान से देखें सारे लोग ध्यान से देखें। तो ये है आपका बीटा बीटागामान सेचुरेटेड एसिड। बहुत आराम से सुनना अब यहां कई बच्चे गलती भी करते हैं हमने इसे हीट किया जेंटल हीट किया जेंटल हीट जेंटल हीट या हल्का सा गर्म कर दें, वार्म कर दें मेरे भाई कई लोग जब ये सुनते हैं कि CO2 टू निकल जाता है तो ये सीओ टू निकाल देते हैं। ध्यान से सुनना और जवाब के तौर पर वो ये आंसर दे देते हैं। A, ध्यान से सुनेंगे ए डबल बॉन्ड बी एंड सी एच थ्री देखिए ये सी एच टू था और ये एच हो गया सी एच थ्री तो ये रिएक्शन वो मान लेते हैं हो गई वो मान लेते हैं रिएक्शन हो गई और यहां क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड अब कई जगहों पर इस तुक्के से तुम्हारा आंसर सही तो आएगा लेकिन याद रखना कई जगहों पर इस तरीके से आंसर गलत भी आएगा गलत क्यों आ रहेगा उस पर बात करेंगे मेरे भाई दरअसल मैकेनिज्म से सच्चाई का पता चलेगा बहुत आराम से देखेंगे जी बहुत आराम से देखेंगे आइए ध्यान से देखें दरअसल क्या खासियत है इस बीटा गामा में वो समझना पड़ेगा क्या खासियत है ये समझना पड़ेगा तैयार हैं आप जी दरअसल बीटा गामा में पाए इलेक्ट्रॉन्स या लोन होने की वजह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इस ट्रांजिशन स्टेट का साइज होता है सिक्स जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट करना नहीं पड़ता रिलेटिवली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट रहता है और हमें ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता मेरे भाई आप सबको मालूम है कि ओएच OH की जो बॉन्ड है वो तोड़ी जा सकती है या टूट सकती है उसमें यह सेंस ऑफ पोलराइजेशन होता है और क्या है इस एच पे आए हुए हल्के पार्शियल प्लस ए बी बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे या नहीं अपनी तरफ आकर्षित करेंगे या नहीं और उसी तरीके से ये जो डेल्टा माइनस देखो डेल्टा माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन्स को भगाएगा और प्लस ये अल्फा और सी वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वैसे भी आपको पता है अल्टरनेट बॉन्ड बनती है टूटती है ये बॉन्ड आपकी टूटने लगेगी यहां माइनस यहां प्लस ओ भाई साहब कमाल हो गया क्या आप देख रहे हो एच का इंटरेस्ट एक्चुअली बीटा में है एच बीटा से इंटरेक्ट कर रहा है अच्छा जी क्या आपने नोटिस किया कि ये दोनों प्लस पार्सल प्लस पार्सल माइनस बॉन्ड बनाने लगेंगे जी क्या आपने देखा एल्फा बीटा जो पहले सिंगल था एल्फा, बीटा जो पहले सिंगल था वन डबल आने लगेगा हाँ जी इसी को तो बोलते हैं सिक्स एम ये है आपका सिक्स एम एंड सरप्राइजिंगली रेड वाला बॉन्ड बीबी है बॉन्ड टूट रहा है ग्रीन वाला बॉन्ड फॉर्मेशन है एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे दरअसल पहले एच गामा पर गया है दरअसल पहले एच गामा पर गया है एंड बीटा गामा की डबल बॉन्ड एल्फा बीटा में आ गई है देखो देखो जी देखो पहले यह बनेगा शॉर्ट ट्रिक से तो तुम्हें कभी जिंदगी में पता ही नहीं चला कि एच दरअसल गामा पर गया था और तुम्हें यह भी कभी नहीं पता चला कि दरअसल जो एल्फा है वह एस टू भी होता है बीच में जो एल्फा है वह एस टू भी होता है बीच में अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मान लो बी ऑक्सीजन है ये कार्बन है तो ये इनॉल हो गया इनॉल उस केस में ये टोटोमराइज कर जाएगा उस केस में ये टोटोमराइज कर जाएगा एच यहां पर बॉन्ड यहां पर अब अच्छा कह रहा आया तो यही नहीं आया कदे ध्यान से सुनना बताओ अगर ए और बी दोनों कार्बन हैं तब कोई टोटोमेडिज्म नहीं होगा अगर और भी दोनों कार्बन होते तो कोई टोटोमेडिजम नहीं होता और कोई टोटोमेडम नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं अच्छा अगर इसमें टोटोमेडिजम होता तो भी गारंटी नहीं थी कि ये मेजर होगा क्योंकि टोटोमेडिजम होगा तो ये दोनों होंगे और इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा आंसर होगा राइट right? ये ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है तो दिस इज ऑल अबाउट आप थोड़ी सी तो अच्छी बुद्धि रखें बहुत सिंपल है आप अब आप, आप इसका लॉजिकल शॉर्ट ट्रैक दिमाग में रखिए आप एसिड का एच हमेशा कहाँ डालेंगे गामा पर एसिड का एच हमेशा कहाँ डालेंगे गामा पर बीटा गामा की पाई बॉन्ड कहां डालेंगे अल्फा बीटा में बीच में और बाकी सियोटू नोच के फेंक देना समझ में निकाल के फेंक देना सो दिस इज ऑल अबाउट कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपकी निगाहें ध्यान से इन्हें देखें आया मैं आपको उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिख कर नहीं दूंगा जितने अच्छे तरीके से मैंने पीछे बताया है बताओ जरा क्या तुम्हें देखकर समझ में आया कि ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है प्लीज मी क्या आपको देखकर समझ में आया कि ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है नहीं बोलोगे तो कहीं से चलेगा भाई <coughs> बिल्कुल बिल्कुल सही है कैटेगरी पहचानो अभी कैटेगरी पहचानो कैटेगरी है अब जिस बच्चे ने वो एक लाइन समझ ली है ना उसके लिए किसी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं आशीष बेटा लेक्चर वन के बाद टू थ्री फोर फाइव जिस सीक्वेंस में आपको मिल रहा है वही सीक्वेंस है क्या बता दें उसमें क्या बता दें आशीष आपके ऐप पर जिस सीक्वेंस में लेक्चर है वही करेक्ट सीक्वेंस है एडवांस का मैं बताऊं क्या उसमें कि पहले दसवां पढ़ो फिर पढ़ो फिर सातवां पढ़ो फिर छठा पढ़ो सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो जाओ वहां पढ़ो जहां समझ में आ रहा है <coughs> मतलब मजेदार चीज क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूं <coughs> जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं समझना सीक्वेंस समझ रहा है समझ रहे हैं? जो मैंने पढ़ाया वो नहीं समझेंगे उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है सीक्वेंस समझेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आइए ऐसे क्वेश्चंस में अब जैसे एक चीज मैंने बोली थी कि बीटा पर लोन पेयर भी हो सकता होने का तो हो सकता भाई साहब बिल्कुल हो सकता है समझदार के लिए क्या काफी है इशारा अच्छा चलो एक छोटा सा प्रश्न पूछकर मैं ये जान लेता हूं हालांकि मुझे पता है कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं वो मनुष्य जैसे दिखते हैं या मनुष्य हैं भी एक्चुअली इसे मैंने हीट किया नाइन्थ बताइए नाइन्थ आ, ये सी डबल ओ एच है यहां एक फोर्टीन कार्बन का सी डबल ओ एच है इसे अगर मैंने हीट किया या जेंटल हीट किया तो आप बताइए आप क्या बनाएंगे कितने सीओ टू निकालेंगे वेल्डन मोहम्मद स्वयं बताइए जल्दी बताइए वेल्डन well एम्सियत विशु वेल्डन well अरे एक निकलेगा कौन सा निकलेगा ऊपर वाला नीचे वाला ट्वेल्व वाला फोर्टीन वाला कौन सा परमिंदर वेल्डन पृथ्वी वेल्डन अस्मिता वेल्डन well अमन वेल्डन well क्या आपको एसिड के रिस्पेक्ट में वही बीटा गामा ढूंढना चाहिए था या नहीं इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा ये गामा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा ये एसिड का अल्फा और ये बीटा ना 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 ऊपर से काम नहीं होगा ऊपर से काम नहीं हो पाएगा उधर से बीटा गामा नहीं है काम नीचे से हो पाएगा बीटा गामा बन रहा है मेरे भाई यहां पर अगर आपने से किया तो ये आंसर आएगा देखिए जो मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से ये एच गामा पर जाना चाहिए था अच्छा जी लीजिए कर देते हैं बीटा गामा का डबल अल्फा बीटा में आना चाहिए था अच्छा जी कर देते हैं लो तो ये बना था या नहीं बताओ ये बना था और अब आप जरा ध्यान से देखें यहां से सीओ टू फोर्टीन वाला निकल गया और ये टोटोमराइज हो जाएगा एच इधर दो बॉन्ड इधर लो आंसर आ गया ओके मेरे भाई बहुत सिंपल है कुछ नया है नहीं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा आजा एवेंथ बताओ अलेवेंथ <coughs> एलेवेंथ बताओ ये फोर्टीन है ये सी डबल ओ एच ये सी डबल ओ एच और हमने किया जेंटल हीट कितने और कौन सा सीओ टू निकलेगा एलेवेंथ बताओ बताइए कितने और कौन सा निकलेगा वेल्डन well हसन वन टू थ्री बोल सकते हैं अरे बहुत बेहूदा हो यार ये वन मान लो गधे ये टू मान लो ये थ्री मान लो वेल्डन well अब्दुल अली गौरव निपटे श्वेतन ज्योति चौधरी तंती न करो <coughs> चलिए बताइए चलिए आइए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आ, दिमाग लगा कर करें पहले कैटेगरी ढूंढो इसके लिए अगर देखें नीचे वाले के लिए तो अल्फा बीटा गामा बीटा गामा में कुछ है ही नहीं नीचे वाले के लिए नीचे वाले का ये अल्फा ये बीटा गामा नीचे वाले के लिए कुछ नहीं है तो नीचे वाला नहीं हटेगा नीचे वाला तो नहीं हटेगा इसके लिए गिनते हैं अल्फा बीटा गामा ओ भाई साहब ये तो हट रहा है क्यों ना लगे हाथ इसे हटा दिया जाए हाथ लग गया है तो हटा ही दें सी डबल ओ एच सी ओ टू सी डबल ओ एच एंड दिस कार्बन इज फोटीन क्या आपने देखा कि इस दौरान एल्फा डबली बॉन्डेड हुआ है क्या इस दौरान आपने देखा एल्फा डबली बॉन्डेड हुआ है एल्फा हुआ है डबली बॉन्डेड चलो ये वापस टोटोमराइज तो तो हो गया और अब प्रश्न आ गया यहां मेरे भाई अब ऊपर वाले सी के लिए देखिए तो ये एल्फा ये बीटा ये गामा कंडीशन तो मैच कर गई कंडीशन तो मैच कर रही है लेकिन क्या तुम क्या 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 तुम इसका डिकार्बोक्साइजेशन करते समय ये बनाओगे क्या क्या ये बनाओगे क्या बोलो एल्फा पर डबल बॉन्ड आएगा तो भाई साहब ये कैसे आएगा ये ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नारियल बन जाएगा नारियल हाँ ब्रिज हेड का एल्फा इस चीज को नहीं होने देगा तो मेरे भाई क्या मैं साफ साफ इस बात को मना करके यहां आंसर लिख दूं एक ही सीओ टू निकल रहा है और वो भी निकला है बीच वाला ये देखिए ये जवाब है क्या आपके भेजे में घुस गया जवाब क्या आपके भेजे में घुस गया जवाब सक्षम करेंगे अभी सीट डिस्कशन करेंगे यार कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं ए एस सी डबल ओ एच डबल बॉन्डो सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच डबल बॉन्डो सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच एंड डबल ओ एच जेटल हिटिंग थर्टी डबल बॉंडो सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच डबल ओ एच सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच जेंटल हीटिंग अच्छा अच्छा सच बताओगे एक बात क्या तुम लोगों को पता है कि सी की हाइड्रोलिस से एसिड ही आता है सी की हाइड्रोलिस से एसिड ही आता है और क्या तुम्हें पता है ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड ही आता है तो अगर फोर्टींथ की मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो क्या ये कंपाउंड इसमें बदल जाएगा या नहीं दो एसिड दो एसिड दोनों हाइड्रोलाइज होकर एसिड दोनों ईस्टर हाइड्रोलाइज होकर एसिड एंड साथ में हीट कर दो सेम क्वेश्चन है सेम तो मेरे भाई ज्यादा क्वेश्चन मैं देता नहीं आप सबको ये भली भांत पता है ये सी डबल ओ एच डैश H डबल डबल डैश डैश सेवनटीन कर लेंगे आप बोलिए जी कर लेंगे या नहीं ओ एच सी डबल ओ एच डैश आइए एक बात बताते हैं आपको क्या आपको सेवेंथ में वो कैटेगरी दिख रही है यानी प्लीज मी क्या सेवेंथ में वो कैटेगरी दिख रही है यानी और अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा गामा पर डबल करैक्टर है तो आप उस टेक्निकल शॉर्ट ट्रिक से बताइए क्या ये बनाएंगे या नहीं CO2 निकालने के बाद H गया गामा पे बॉन्ड आया अल्फा बीटा के बीच में केसु कंग्रेचुलेश गॉड boy. फिलहाल इधर आइए अब टोटोमेडिज्म हो जाएगा और अगर टोटोमेडिज्म हुआ तो क्या आपको एक एसिड ही मिलेगा या नहीं बताइए एक एसिड ही मिलेगा ये आपकी उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपकी उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ही कार्बन पर दो सी डबल ओ एच इसी को बोलते हैं जेमिनल डाय एसिड तो क्या आप समझ गए हैं कि अगर एक ही कार्बन पर दो सी डबल ओ एच हो तो एक सीओ टू निकल जाता है और एक एसिड बचता है एक सीओ टू निकल जाता है और एक एसिड बचता है क्या अब आप आपको ये क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं या नहीं ये वाले बताइए बताइए अब ये क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं या नहीं क्योंकि अभी अभी मैंने बताया एक कार्बन पर अगर दो एसिड हैं खड़ाक से एक निकल जाएगा से एक 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 फिर बीटा कीटो से देख लेना बधाई हो बधाई क्वेश्चन घर से करके लाओगे बहुत मजा आएगा सच्ची में बहुत मजा आएगा यार आइए क्या आप रिवर्स चलना पसंद करेंगे रिवर्स जैसे मैं पूछना चाहता हूं टोटल पॉसिबल कीटो एसिड जो जेंटल हीट करने पर एक सीओ टू छोड़ते हैं एंड ये आंसर देते हैं तो आपको क्वेश्चन बताना है भाई साहब है ना मजेदार क्वेश्चन बताने कितने होंगे बहुत मजेदार है यार ये इतना मजेदार है ऐसा और कर लेते हैं टोटल पॉसिबल बीटा गामा अनसे एसिड जिसके जेंटल हीट पर मुझको ये मिला प्लस एक्सो टू सही है यानी एंड uh, पहला हीटिंग इफेक्ट पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है अब हम सेकेंड कैटेगरी में चलेंगे दोस्तों और हीटिंग ऑफ डाय कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें कंपल्सन नहीं था लेकिन अब कम से कम दो एसिड तो लेके आग लगाएंगे ही लगाएंगे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी बीटा गामा जेंटल हीटिंग वाली ये प्योर हीटिंग है प्योर हीटिंग बढ़िया हीट करेंगे ठीक है जी आइए आइए क्या आप लोगों ने ओम्स गैप सुना है कभी ओम्स गैप सुना है ओम्स गैप नहीं सुना ऐसे न बोलो यार न बोलो ऐसे जीओसी में हमने किया था ओम्स गैप बोलो जी बोलो ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक गुलफ्रिक एडिपिक अरे यार कुछ नहीं है हर एसिड के नाम का पहला अक्षर है ऑक्जेलिक मैलोनिक सक्सिनिक इस तरीके से वही एसिड में यहां लिख रहा हूं वही एसिड में यहां लिख रहा हूं ये ऑक्सैलिक एसिड नाम कॉमन एसिड्स हैं इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए ये है मैलोनिक एसिड और इतफाक से यह जमीनल डाय कार्बोक्सलिक एसिड है जमीनल डाय कार्बोक्सलिक एसिड मेरे भाई ये है सक्सीनिक एसिड है। और क्या आपको पता है यह विसिनल डायकार्बोक्सलिक एसिड है विसिनल डाय कार्बोक्सलिक एसिड ऐसे आप अब मैं क्या कर रहा हूं बीच में सी एच टू जीरो था एक आया दो आया तो सी एच टू बढ़ा रहा हूं अगला तीन सी एच टू ले आऊंगा मैं मैं तीन सी एच टू लाऊंगा अगला चार सी एच टू लाऊंगा CH2 टू सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बीच के कार्बन अगर आपको समझ में आ गए कितने हैं खड़ा से आंसर लिख दीजिएगा सी एच टू सी एच टू पांच सी एच टू लाऊंगा पांच सी एच टू एंड फिर छू लाऊंगा यहां मैंने पैक करके लिख दिया सारे एक साथ लिख दिए मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे कुछ मजेदार चीज है मजेदार चीज ये है कि जब हम ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं जब हम ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो मेरे भाई उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वो बॉन्ड भी टूटने लगती हैं जो स्ट्रांग होती हैं। तो फिर हमें मानना पड़ता है कि हाँ भैया ठीक है ये हो रहा होगा आइए ऑक्सैलिक एसिड इसमें एक सीओ टू निकल जाता है दोस्तों एक सीओ टू निकल जाता है तो यहां बचता एस सी और एक एच फॉर्मिक एसिड एंड सीओ टू ये आया आपका फॉर्मिक एसिड अच्छा एक प्रश्न पूछू पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछू हाँ फिल्टर लगा हुआ है मनुष्य होने का मुझे एक बात बताओ एक से लेकर छह तक सात तक सबसे जल्दी सीओ टू कौन छोड़ेगा एक से लेकर सात तक सबसे जल्दी सीओ टू कौन छोड़ेगा एक से लेकर सात तक सबसे जल्दी सीओ टू कौन छोड़ेगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वेल्डन well एम्सियत बताओ 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 परमिंदर वेल्डन तुम लोग इतने खच्चर हो शेतन वेल्डन आरुष वेल्डन देखो इसे अब यहां से समझना कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या तुम क्लास में कनेक्ट नहीं करते हो जो चीज बता दी गई है वो दिमाग में नहीं रखते हो तार्किक नहीं हो तुम वहां ऐसा किया तो यहां क्यों नहीं कर रहे हो या वहां वैसा किया तो ऐसा यहां भी करो ऐसी बातें नहीं करते हो इस वजह से तुम केवल सुनते हो और तुम खच्चर हो आइए क्या इसके पहले की पढ़ाई हुई कैटेगरी में सीओ टू केवल जेंटल हीट करने पर निकल रहा था या नहीं स्लाइट हीट करने पे निकल रहा था या नहीं स्लाइट हीट करने पर और क्या यहां मैंने तुम्हें एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी सेवेंथ जिसमें मैंने कहा था जेमिनल डाय कार्बोक्सलिक एसिड जेंटल हीट पर सीओ टू छोड़ देता है और फिर मैं यहां ला के लिख भी दे रहा हूं कि जेमिनल डाय कार्बोक्सलिक एसिड तो तुम कह रहे हो कि सब छोड़ेंगे एक जैसे तो तुम महा आइए वन टू लेकर वन से सेवन तक जो सेकंड वाला है ये सबसे जल्दी सीओ टू छोड़ता है क्योंकि यहां पर सिक्स एम सी टी एस बीटा गामा अनसे एसिड वाला केस आ जाता है सही है आइए अब बहुत आराम से सुनना एक खास पैटर्न देखने को मिलता है पहले दो में सीओ टू निकला हुआ दिखेगा आपको सीओ टू सीओ टू ध्यान से सुनना जैसे ही तुम सक्सीनी एसिड पर आते हो प्लीज लुक एट बोर्ड जैसे ही तुम सक्सीनी एसिड पर आते हो यह है सक्सीनिक और आप इससे हीट करते हो मेरे भाई इसकी हीटिंग में जल निकल जाता है और पांच की रिंग बन जाती है सिंस पांच की स्टेबल रिंग बन रही है इसलिए यहां CO2 नहीं निकल पाता यहां केवल डिहाइड्रेशन होके रह जाता है जबकि आप देख सकते हैं यहां डी कार्बोक्साइलेशन हुआ है यहां डी कार्बोक्साइलेशन हुआ है जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर केवल डिहाइड्रेशन होता है एंड प्रोडक्ट वी जस्ट गेट इट ए सक्सीनिक एन हाइड्राइडिक एन हाइड्राइड एक बच्चा आया कह रहा इससे तो हम ये भी बता सकते हैं हमने कहा क्या बता सकते हो कि आगे वाले में भी एनहाइड्राइड आएगा छह का आएगा पीछे पांच का बनाया था तो इधर छह का बना दोगे। मेरे भाई बहुत अच्छी बात है ये जानकर कि अग, अगले दो में अगले दो में केवल वाटर निकला है अगले दो में केवल वाटर निकला है क्या आप समझ पा रहे हैं पहले दो में डी कार्बोक्साइलेशन अगले दो में मात्र डिहाइड्रेशन आइए एक और बात बताता हूं उसके आगे वाले में चलते हैं फिफ्थ में एडिपिक एसिड एक दो एक दो तीन चार ये ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा ये देखो ये है आपका एडपिक एसिड सोचो अगर मैं वाटर ही निकालू तो क्या अब रिंग सात की आएगी या नहीं देखो गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात जब ये इससे जुड़ेगा तो सात की रिंग आएगी और भैया हम सात की रिंग बनाने के फेवर में है नहीं और वी आर हीटिंग इट तो क्या अब आप हीट कर रहे हैं तो क्या सीओ टू भी निकल जाएगा या नहीं और अब अगर सीओ टू भी निकल गया तो ये वाला यहां जुड़ेगा एक दो तीन चार पांच क्या पांच की रिंग का कीटोन बनेगा या नहीं बताओ क्या पांच की रिंग का कीटोन बनेगा या नहीं तो आपने अभी अभी समझा है कि यहां केवल जल निकालने से या केवल CO2 निकालने से कोई काम नहीं हुआ या हो पा रहा है यहां दोनों निकलते हैं लोजी कर लो बात पहले दो में CO2 अगले दो में वाटर यहां दोनों और आगे वाले में मेरे ख्याल से छह का कीटोन आएगा इन दोनों में डी कार्बोक्साइडेशन भी हुआ एंड डिहाइड्रेशन भी हुआ है। मेरे भाई अब आगे सेवेंथ में तो हिम्मत नहीं है क्योंकि अब हम सात का कीटोन तो बनाएंगे नहीं तो मेरे भाई यहां दरअसल यहां दरअसल पॉलीमराइजेशन हो जाता है पॉलीमराइजेशन का मतलब इस मॉलिक्यूल के बगल में इसी का मॉलिक्यूल रखते चले जाओ और फिर उनसे वाटर निकालते चले जाओ तो इससे एनहाइड्राइड आता चला जाएगा इससे एनहाइड्राइड आता चला जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉलीमर पॉलीमर बन जाएगा क्लियर है ये ध्यान से देखें अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वन टू सिक्स कैटेगरी के अंदर के ही मिलेंगे वन से सिक्स कैटेगरी इनफैक्ट वन वाला फिक्स एसिड है फॉर्मिक एसिड इसलिए टू टू सिक्स ही मिलेंगे उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे जैसे ये देखिए एट्थ क्या आप लोग इस एसिड को जानते हैं प्लीज टेल मी क्या आप लोग ये बहुत पॉपुलर एसिड है भाई साहब हल्के में मत लेना क्या आप हल्के में ले रहे हैं और बताओ ये किस कैटेगरी से इंस्पायर्ड है वेडन ये मेलेक् एसिड है मेलेक् एसिड ये है फ्यूमेरिक एसिड ये है थेलिक ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं लाइक ये आया सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच ये आया सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच देखो मगर बोर्ड पर आई आई को बहुत पसंद है आई को बहुत पसंद है इस टाइप के क्वेश्चन बताइए क्या ये सी डबलओ एच दो कार्बन से सेपरेटेड है या नहीं आई I मीन mean, इनके बीच में दो कार्बन है या नहीं तो क्या अकल से पैदल ये थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दो एसिड के बीच में दो कार्बन तो मेरे भाई यहां डबल ही तो लगा है दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर ओ ये आंसर है आपका तो भाई साहब अगर हम यहां आते हैं तो बहुत सिंपल सा आंसर है आप देख सकते हैं ऐसा मैले एसिड से मेले एसिड का इनहाइड्राइड बन जाएगा क्या अच्छा तुम ये जानते और मानते हो कि रिंग बनने के लिए इन दोनों सेगमेंट का सेम साइड होना बहुत जरूरी है इन दोनों सेगमेंट का सेम साइड होना बहुत जरूरी है तो क्या आपके भेजे में यह बात आ गई कि फ्यूमेरिक एसिड में साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा फ्यूमेरिक एसिड में साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा फ्यूमेरिक एसिड में साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बाकी आपकी मर्जी 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 आइए थैलिक एसिड भी सेम कैटेगरी का है और हम देख पा रहे हैं ये दोनों सेम साइड हैं रिंग बनाने के लिए बेकरार हैं तो मेरे भाई थैलिक एसिड में भी थैलिक एनहाइड्राइड आएगा ये देखिए बिल्कुल सही जवाब है यस आप ध्यान से देखें अब एक बात जो मैं बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना अरे वाह एक खच्चर है मैकेनियम पूछा मैकेनियम क्या है मैकेनियम होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे गए दैट इज कॉल्ड में मेरे भाई एक मजेदार चीज सुनना अगर आप कभी भी ये वन है और ये टू है और आप एक एक्स्ट्रा रिंग बनाना चाहते हैं बेजिन के साथ विद ए बॉन्ड कॉमन ये तभी मुमकिन है जब ये वन टू पर हो अदरवाइज आप रिंग नहीं बना सकते आइए इसका एक एग्जांपल मैं आपको एलेवेंथ में देता हूं मेरे भाई ये वन टू थ्री आपने अगर कुछ भी ऐसा सोचा तो मेरे भाई क्या ही बोलू मैं आपको डू यू रियली थिंक रिंग होनी चाहिए डू यू रियली थिंक ये होनी चाहिए ये बनी नहीं सकता एक्स्ट्रा रिंग तभी बनेगी जब अगल बगल हो अगल बगल अदरवाइज ये चीज नहीं बन सकती पूरे आईआईटी एडवांस तक इस बात का ख्याल रखना तो क्या आप एलेवेंथ में समझ गए हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा में भी नहीं बनेगा यस आई यू आर राइट थर्टींथ में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग इसका इसका रिंग बना दोगे और इसका इसका रिंग बना दोगे बताओ थर्टींथ में ऐसे ही करोगे ना बोलो ऐसे ही करोगे ना थर्टींथ में तुम लोग प्लीज बोलो ऐसा ही करोगे ना ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं गैस करता हूं मुझको ऐसा लगता है जितनी तुम्हारी बुद्धि है उसके हिसाब से तुम इसे इस इसकी स्कीरिंग बनाओगे और इसकी स्कीरिंग बनाओगे राइट <laughs> ओके फिर तो यार सही वाला केस बचा है और सही वाला केस तुमने सबसे पहले सोचना चाहिए था मुझको ऐसा लगता है क्या तुमको भी ऐसा लगता है ध्यान से देखेंगे दो जल निकल जाएगा दो जल दो जल निकल जाएगा बिल्कुल सही बात है अब ये क्वेश्चन साहब अपने घर से करके लाना चलिए जी हम्म 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 डाय कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने हीट कर लिया है चलिए मैंने क्वेश्चन दे ही दिया आयुध क्या एक क्वेश्चन में दे देता हूं इन्होंने पूछा है चलिए तो हमने डाय कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग एंड केसेस सारे कॉपी में दो से छह केसेस के बीच के ही हैं ठीक है आइए अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप एक बच्चा या कह रहा है एसिड को अकेले हीट करके मजा नहीं आया मैंने कहा फिर कह रहा थोड़ा एल्कोहल हो जाए आइए हम हीट करने जा रहे हैं हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड सारे लोग सोचो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें सोचो भाई सोचो क्या सोच पा रहे हो सोच अच्छी रखो और फिर सोचो हमें इसको हीट करना है और अब जेंटल हीट का काम नहीं चल रहा है दोस्तों कायदे से तगड़े से हीट कर रहे हैं ओ एच अब आएगा एसिड में लेकिन कहीं भी हो सकता है ये अल्फा पर हो सकता है लाइक uh, like, uh, uh, यहां देखें आर सी एच ओ एच सी डबल ओ एच फॉर यू ऑल दिस इज अल्फा कार्बन एंड इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आर सी एच ओ एच एंड इज वन सी एच टू इन बिटवीन आप देख सकते हैं ये अल्फा ये बीटा हाइड्रॉक्स हमको इसको हीट करना है आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो आइए आग, 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 आग लगा देते मेरे भाई एक चीज सोचो समझो सीखो और मुझे बताओ भी जनाब वो चीज बस इतनी सी है कि ये एसिड हमारे पास था हम एसिड हीट कर रहे हैं तो मीडियम को हम थोड़ा एसिडिक ही रखते हैं क्या आपके माध्यम से मैं ये जान पाऊंगा क्या कि आपके कंपाउंड में तीन टाइप के ऑक्सीजन है सारे बच्चे देखो तीन टाइप के ऑक्सीजन है या नहीं एक ये एक ये एक ये तो प्लस इन्हीं में से किसी का इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं कि इसके लोन पे रेजोनेंस में है और अगर इसके लोन पे रेजोनेंस में है तो इसे हम कंपटीशन से बाहर कर देते अब बचता है ये वाला ओ एच और ये वाला ओ ध्यान से सुनना बहुत मजेदार है मेरे भाई अब मैं अगर ऊपर वाले ओएच पे अटैक कराऊंगा तो क्या आपको लगता है यहां ओ एच टू प्लस बनेगा और क्या आपको लगता है वाटर भी खट्ट से निकालना पड़ेगा खट से आवाज आनी चाहिए और फिर वाटर निकलने के बाद केटायन बनेगा लेकिन यह देख के आपको नाराज हो जाना चाहिए क्योंकि इस कार्बन पर भी प्लस था इसीलिए पूरी केमिस्ट्री में हमने सी डबल बाउंडो के बगल में प्लस नहीं बनने दिया तो ये स्टेप भी सही नहीं जा रहा है ये स्टेप भी सही नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं अब मात्र एक च्वाइस बची है आपकी वो है नीचे वाला कार्बोनाइल देखो मगर बोर्ड पर तो क्या ये प्रोटोनेट हो जाएगा और अगर ये प्रोटोनेट हुआ ऑक्सीजन कहेगा अब हम अटैक कर देते हैं क्योंकि यहां पर प्लस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है जैसे हमने पीएच टू लेकर इलेक्ट्रोफ्लिस बढ़ाकर किया था वैसा लेकिन इस कार्बन ने मना किया खबरदार सोचना भी मत अटैक करने का उसने कहा मैं तो हूं एकमात्र न्यूक्लियर फाइट कार्बन ने कहा तुमसे रिएक्शन करके तीन की रिंग बनाने से अच्छा है कि मैं पड़ोस वाले से इलेक्ट्रॉन ले लूं वाले से इलेक्ट्रॉन ले लू मेरे भाई ये थोड़ा सा जाति थी ये सुन के इस ओएच ने कहा ऐसी बात है क्या तो मैं भी पड़ोस वाले को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो ये ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये डाइमराइजेशन हो रहा है अगर आप थोड़ा भी समझ पाए हैं तो ये डाइमराइजेशन हुआ है डाइमराइजेशन वजह है की रिंग आ रही है वजह है की रिंग आ रही है तो आपको जो मिला है वो देखिए जरा ये ओ एच ये ओ एच ये सी एच ये ओ एच ये सी एच आर एंड देखिए जरा ये ओ ये एच ओ पर प्लस ये एच ओ पर प्लस मेरे भाई दो एच वाले वोटर निकाल देंगे ये एच प्लस निकाल देगा और जब ये ऐसा करेगा तो दो एच थ्री ओ प्लस निकल गया और आपको मिला है एक रिंग का साइक्लिक प्रोडक्ट छ की रिंग का साइक्लिक प्रोडक्ट मेरे भाई इस प्रोडक्ट को हम यहां थोड़ा और अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसे हम बोलते हैं लैक्टाइड। इसे बोलते हैं लैक्टाइड। सारे ध्यान से देखना मजेदार है कुछ अगर आर हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका सिस भी हो सकता है एंड ट्रांस भी हो सकता है देखने वाली चीज ये है जनाब कि ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से एंड सिस वाला जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है ये अपनी मिरर इमेज के साथ आएगा एंड इसकी कैटेगरी की नेमिंग पता है क्या लेट टाइड लैक्टाइड तो मेरे भाई अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करना ये आपके सामने है और यहां से एक छह की रिंग बनी है दैट इज कॉल्ड लैक्टाइड ये लैक्टाइड है आप देख सकते हैं यहां आपके सामने हुआ है ये मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा भी तार्किक बुद्धि रख हैं, तो आपको सेकंड वाले का आंसर पता चल गया एक बच्चा आया कह रहा मैं बताता हूं कैसे मैंने कहा बोलो कह रहा देखो सर आपने जैसी बातें वहां की वैसी बातें मैं यहां करूंगा मैंने कहा करो कह रहा नंबर वन इसका लोन पे रेजोनेंस कर रहा इस पे एच प्लस डालेंगे नहीं मैंने कहा ग्रीड। कह रहा नंबर 2 एच प्लस यहां डाला मैंने कहा ठीक कह रहा ये इसे अटैक करने नहीं देगा चार की रिंग फेवरेबल नहीं है इसलिए बनाने नहीं देगा मैंने कहा वेरी गुड अब डाइमराइजेशन तो भी नहीं हो सकता वहां छह की रिंग बनी थी आठ की बनेगी और आई थिंक आप आठ की बनाएंगे नहीं ये भी सही है मेरे भाई फिर तो एक ही केस बचा जिसमें हमने ओ एच पे अटैक कराया था वहां पर ओ एच पे अटैक कराने के लिए हमने मना करने के लिए क्या बोला था कि कार्बोनाइल के बगल में प्लस आ रहा यहां तो कार्बोनाइल के बगल में प्लस नहीं आएगा तो दूर आएगा दूर एंड मेरे भाई प्लस यहां आएगा बीटा पे तो आ सकता है और फिर एल्फा से एच हट के डबल बॉन्ड आ जाएगी तो मेरे भाई बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आपको क्या देता है एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड एल्फा बीटा अनसेटेड एसिड आप देख सकते हैं ये एल्फा है ये बीटा है पहला ट्रांस दूसरा सिस। मेरे भाई सेम लॉजिक को एक्सटेंड करके आप ग्रामा हाइड्रोक्सी एसिड का आंसर लिख सकते हैं सोचिए सेम लॉजिक सोचिए आप डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड का आंसर लिख सकते हैं आप ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड का आंसर लिख सकते हैं आइए 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 देखिए आ, गामा है ना तो आर टी एच ओ एच सी एच टू सी एच टू सी ओ एच वी आर हीटिंग इट बहुत क्लियर ये यहां जाएगा नहीं एच प्लस इस पे जाएगा ओह माय गॉड इस पे जब जाएगा तो ये इसी को अटैक करने को बोल देगा पांच किरिंग बन रही है इस बार पांच किरिंग बन रही है तो मेरे भाई इस बार अच्छा इस बार यहां अटैक करके डबल क्यों नहीं बनाएंगे मेरे भाई पिछले केस में डबल बॉन्ड एसिड के साथ कंजुगेशन में आ गया था यहां कंजुगेशन में नहीं आ पाएगा तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां जब H+ प्लस होगा तो ये इंटरनली अटैक करके आपको देगा पांच की रिंग का लैक्टोन ये है लैक्टोन और अगर आप ये समझ गए हैं तो अगले वाले में छह का इलेक्ट्रॉन आएगा भाई यही तो आएगा कार्बन ही तो बढ़ाया है बस हमने कार्बन ही है बढ़ाया मेरे भाई छह का इलेक्ट्रॉन है आया अच्छा यहां भी आपको ये और इसकी मिरर इमेज ये आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ क्या निकल रहा है जल केवल जल निकल रहा है देख लो साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोलते हैं साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोलते हैं मेरे भाई इसके आगे हम सात की रिंग तो बनाने से रहे तो इसके आगे अगर आप हीट करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे पॉलीमर पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर पॉलीमराइजेशन ये पॉलीमर बनने लगेगा तो इट्स अ सो इजी। कुछ क्वेश्चन दूंगा जो घर से करके लाइएगा आप बहुत आसान है कुछ ऐसा है नहीं जो आपको परेशान करे एच ओ एच सी एस थ्री जस्ट हीट इट सेवेंथ डबल ओ एच ओके क्या हो गया अल्फा बीटा गामा ए सी डबल एच एच सी डबल एच नाइन्थ सर आइड्रॉक्सी एसिड कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है मेरे भाई इसमें बस एक चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आप घर से करके लाएंगे तारे लोग सुन लो ये वाला सेगमेंट ही पूरा आपको घर से करके लाना है हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड सुन रहे हो एमिनो एसिड को हीट करना है एमिनो एसिड को हीट करना है उम्मीद करता हूं कि अल्फा एमिनो एसिड बीटा एमिनो एसिड गामा एमिनो एसिड एंड ओमेगा ये सब आप हीट करके सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिख लेंगे दरअसल आप एक बात को नोटिस करें कि हमने जो अभी अभी किया है हमने जो अभी अभी किया है उसमें ध्यान से देखें चलें देखें अगर दोस्त मैं इस ऑक्सीजन को जो ग्रीन वाला ऑक्सीजन है ग्रीन वाला ऑक्सीजन है अगर मैं इस ग्रीन वाले ऑक्सीजन को एनएच ले लूं एल्फामिनो तो एसिड बीटामिनोसिड गामा मिनोसिड डेल्टा मिनो एसिड सब वही आ जाएगा तो आप यहां चेंज मत करना नया टॉपिक जो हमने डाला है वहां पर आप जाकर एनएच जो है उसे इस एल्कोहल वाले ऑक्सीजन के तरीके से यूज कर एवरी एवरीथिंग वुड बी सेम सब कुछ बिल्कुल सेम आएगा तो ये आप घर से करके लाइएगा ठीक है जी मैं कैटेगरी नेमिंग आपको लिख देता हूं इसकी कैटेगरी नेमिंग आएगी लैक्टिम एंड गामा की आएगी लैक्टम लैक्टम इंटरेस्टिंगली बीटा का सेम आएगा एल्फा बीटा अनसेटेड एसिड साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं ठीक है चलिए आज शाम को जो हम तो, आ, एक सेशन रखेंगे उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही ठीक है आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल क्या हाल चाल है भाई लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय महाकाल बहुत अच्छे ऑल होमवर्क डन वेरी गुड यस ओसी बैक आ जाइए स्वागत है आप सबका आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे तो इनके आंसर्स मैं बना देता हूं ताकि आप मैच करा सकें यह इसका आंसर है और सिमिलियरली इसका आंसर आएगा यह देखें ये है P ये P है ये P है आपका अगर आप नोटिस करें तो ये कार्बन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि नाइट्रोजन का पेयर रेजोनेंस करके इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और ये सीएस आई है जो एसेटू ही शो कर सकता है तो ये कार्बन इस पर एसेंटू कर देगा आई हट जाएगा आई जरा ध्यान से देखिए अगर ऐसा हुआ तो यहां सीएस थ्री आ जाएगा और यहां सी एन डबल बॉन्ड होगा एन पर प्लस होगा दिस इज एंड अलोंग विद आई माइनस ये आपका क्यू आ गया एंड अब हम इसकी क्या कर देंगे भाई साहब हाइड्रोलिसिस एच ओ एच एच ओ एच शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं वैसे आप वॉटर अटैक भी करा सकते हैं तो आप जरा ध्यान से देखें इस कार्बन पर दो ओ एच आएंगे जिससे कि वॉटर निकल जाएगा और कार्बोनाइल आएगा बगल में सीएस थ्री था और इस एन पर दो एच आएंगे ये देखिए एंड साथ में ओ एच माइनस ये आर और एस आ गए अच्छा जी गॉड ब्लेस यू वादर्स कह रहे हैं आज लंच में है बिरयानी अच्छा एस के सर तूफानी कैसे ढूंढ ढूंढ के लाते हो तुम लोग राइमिंग नहीं प्रत्युष रिवीजन में सारे क्वेश्चन अटैप्ट ना करें रिविजन में केवल वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं हो पाया था एक दूसरा जिसमें इंपॉर्टेंट लगा है वो करें दो ही रिवाइज करने हैं बस <coughs> बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मुझको ऐसा लगता है कि ये पी आएगा एंड फिर उसी तरीके का न्यूक्लियोफ्लिक अटैक कार्बन से अटैक होगा तो ये आएगा आप देखें जरा एडिशन एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन गॉड ब्लेस यू रुद्र और यहां डबल होगा एन पर प्लस होगा इसकी आइडियोलिसिस कर देंगे तो मेरे भाई आ जाएगा क्या वन थ्री डाई कार्बोनाइल और एन पर ऐसा आ जाएगा H H एन पर प्लस सेम क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ मेन से पहले सारी सीट हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी करोगे तो हो जाएगी <coughs> ये सब हमने पढ़ लिया था एंड आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा मैं क्या कहूं क्या ये आंसर्स बनाए हैं आपने या नहीं बताइए ओ ये देख लो भाई साहब ये आंसर्स बनाए होंगे मुझे पूरा भरोसा है आप पे यही आंसर्स बनाए हैं ना भाई झूठ ना बोलो झूठ क्या आप झूठ बोल रहे हैं यहां आ गया आर 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 राइट right? और <coughs> यहां गया आ गया दो आर 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 ऑल मैच वेरी गुड सारे देखो यहां मेरे ख्याल से दो छह की रिंग बनेगी स्पायरो में सही बोल रहा हूं मैं या नहीं यहां पर ऐसा बनेगा देखो मगर बोर्ड पर देखने को किसी ने मना नहीं किया है हाइड्रोलिस वाली रिएक्शन कहां पे पढ़ाया है अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बेटा पेन चलाओगे तो हो जाएगा ये ढूंढोगे कहां पढ़ाया है तो ढूंढ नहीं पाओगे बस इंसान बन जाओ अपने आप दिखने लगेगा बहुत अच्छे आशीष हाँ यू आर राइट सत्रह में दो प्रोडक्ट आएंगे यहां पर बिल्कुल सही है रेसमिक मिक्सचर होगा मेरे भाई 24 मजेदार है क्या आपने 24 की उस खास चीज को नोटिस कर लिया है क्या है खास चीज बताओ जरा बताओ मेरे भाई इसमें तीन ओ एच है बताओ कौन से दो से इससे बनाने वाले हैं बताओ कौन से दो ओएच इससे सेटल बनाने वाले हैं मेरे लाए महा इंपॉर्टेंट अगल बगल के ही ओ एच पर एक एडिशनल रिंग बना सकते हैं अगल बगल के ही ओ एच बेंजीन पर एक एडिशनल रिंग बना सकते हैं वन टू वन टू वन टू वन टू विशिनल ही बना सकते हैं बहुत अच्छे वेरी गुड मेरे भाई आ, कुछ प्रश्न हैं जो आप देखना चाहें अगर तो आपको मोजा आएगा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहां एसिटल फॉर्म नहीं हो पाएगा आई I मीन mean, साइक्लिक एसिटल नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा बताइए नो no, साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लेकिन मजेदार चीज बताऊंगा दिल खुश होगा आपका सारे लोग देखना क्या खासियत है खासियत यह है जनाब कि अगर मैं इससे मिलते जुलते कुछ और केसेस लूं सारे लोग देखना देखा गया आपने नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा रे चले जी आइए और समझिए बात को ऐसा केस बहुत ज्यादा जगहों पर आएगा जहां रिंग फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा ये सत्ताईस क्वेश्चन 28, उन्तीस तीस एंड इकतीस ये देखिए 28, उन्तीस तीस और ये इकतीस सारे लोग देखिए मेरे भाई अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं ये दोनों डैश ये दोनों वेज और अगर मैं कहूं ये डैश और ये वेज आप जरा ध्यान से देखें दोनों ओएच सेम साइड है और दोनों ओएच सेम साइड है इसलिए आपको रिंग बनाने में कोई इश्यू नहीं आएगा मेरे भाई अगर हम बात करें ट्वेंटी नाइन में तो भी रिंग बनाने में कोई इश्यू नहीं आएगा लेकिन आपको थर्टीएथ में लग रहा होगा इश्यू आएगा बट इंटरेस्टिंगली इस ट्रांस में भी एसिटल बन जाता है लेकिन इस ट्रांस में एसिटल नहीं बनता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप वाकई सच्चाई जानना चाहते हैं तो इसकी असलियत को पहचाने हमें ट्रांस से प्रॉब्लम नहीं है हमें ट्रांस से प्रॉब्लम नहीं है हमें प्रॉब्लम है एंटी से यह आप चार पर आप मेरे भाई ट्वेंटी सेवन में दोनों ओएच OH एंटी हैं फिर से सुनना तुम केवल ट्रांस देखते हो जबकि हमें एंटी वाले ट्रांस से प्रॉब्लम है हमें एंटी वाले ट्रांस से प्रॉब्लम है अच्छा एक बच्चा हमारे बीच में है उसने यह कहा कि 27 और 30 में फर्क क्या है तो मुझे समझ में आ गया रोशन कि तुमने पूरे साल बैठ के करा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता अगर तुम्हें लगता है सत्ताईस और तीस में फर्क क्या है तो तुम महा हो आइए जरा ध्यान से देखें अगर अगर हम थर्टियत की सच्चाई को जानते तो मेरे भाई ये आप था नंबर चार पे ये ओ एच डाउन है और बगल वाला आप है मेरे भाई ये भी ट्रांस है लेकिन ये एंटी नहीं है ये ट्रांस तो है लेकिन ये एंटी नहीं है दे आर क्लोज इनफ टू मेक ए रिंग ये इतने पास हैं कि रिंग बना सकते हैं मेरे भाई ये दोनों इक्वटोरियल हैं, जबकि ये दोनों एक्सियल हैं। ओके बात करें थर्टी वन की तो मेरे भाई आ, दो मोल हैं, दो एल्कोहल एक के साथ कंडेंस दो बाकी एक के साथ कंडेंस मुझको ऐसा लगता है क्या तुमको भी ऐसा लगता है सारे चेक करो पहले चेक 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 राइट right नाउ सारे बच्चे देखेंगे देख लो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऑल मैस्ड चेम चेम आयुध तू भी गधे पंती करने लगा आयुध को ट्वेंटी नाइन में प्रॉब्लम है अरे यहां तो दोनों ये सेम साइड है ना उसमें रिंग बनने में क्या प्रॉब्लम है ये दोनों एच सेम साइड है यहां तो रिंग बनी जाएगी आ एक बच्चा कह रहा थर्टी वन कैसे हो गया मजेदार मज़े, चीज बताऊं इस बच्चे के बारे में मजेदार चीज बताऊं जिसने बोला थर्टी वन कैसे हो गया मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आपको सच्चाई पता चल जाएगी पता है इस कचरा को ये नहीं समझ में आया कि दो सीएसत्री सीएचओ दिए गए दो सीएस्त्री सीएचओ दिए गए ध्यान से सुनना और जो मैंने कंपाउंड दिया है ये वाला वो ऐसे समझ ही नहीं पा रहा है कि वो और ये सेम है आप इनकी बौद्धिक क्षमता का आकलन करें वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो यही है समझ में आया वो इस बात को इस बात से बेखबर वो इस बात से है बेखबर उसे नहीं लेना है कुछ इधर उसे बात करनी है पंती, ठीक है तो मेरे भाई ये थर्टी वन में दो एक बार इधर से कंडेंस एक बार इधर से कंडेंस ये थर्टी वन के बारे में है ठीक है देखिए इसे ध्यान से चलिए मेरे भाई बात करेंगे 25 और 26 की तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है आ, 25 और 26 में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो केवल जो मनुष्य हैं वही करें इसे बाकी लोग के लिए क्वेश्चन नहीं है सच्ची में बाकी लोग के लिए क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई यहां H प्लस दिया गया था आपको अगर आप ध्यान से पहचाने तो ये कीटल है ये कीटल है और आंसर में सिटल आ गया आंसर में सिटल आ गया आइए सेम फंडा आपको यहां लगाना है दोस्त मिकैनियम आप आराम से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो मैं चालू करूंगा रिएक्शन आप घर में जाके कंप्लीट करिएगा मैकेनिज्म ध्यान से सुनना प्लीज H प्लस ने इसके कार्बोनाइल को प्रोटोनेट किया इसके कार्बोनाइल को प्रोटोनेट किया ठीक है और इसके कार्बोनाइल को प्रोटोनेट करने के साथ साथ बहुत आराम से देखेंगे इसके ऑक्सीजन को भी प्रोटोनेट किया सारे लोग देखिएगा ये आया प्लस अब आप खुद समझ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं कि ये वाला एल्कोहल निकाल देगा निकाल देगा एल्कोहल और इस कार्बन पर प्लस आएगा आएगा और इस प्लस का सपना पूरा हो रहा है दो दो ऑक्सीजन के बगल में आ रहा है और ये जो एल्कोहल निकलेगा वो एल्कोहल यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तरीके से वो वो इलेक्ट्रोफिलिक साइड थी तो हो गया आर सी एच ओ एच ओ आर एच एंड ये प्लस सारे लोग देखना और यहां है प्लस समझते रहे ना ये क्या छोड़ेगा H प्लस ये H प्लस जब छोड़ेगा जनाब बहुत आराम से देखिए आर सी एच ओ एच ओ आर आपका हेमी एसिटल दिख रहा है एच प्लस है सिस्टम में एच प्लस ओ एच पर जाएगा वॉटर निकलेगा वो वॉटर इस पे जाएगा इस पर जाएगा फिर यहां प्लस आ जाएगा फिर H प्लस इस पे जाएगा एक एल्कोहल निकलेगा वो इस पर अटैक करेगा मेरे भाई बड़ी खूबसूरत सी रिएक्शन है इसके आगे डैश 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 सेम काम 26 में हुआ है तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं इसका आंसर आएगा आर डबल डैश पी एच ओ आर ओ आर ये वाला दो ओ आर इसमें चले जाएंगे सिटल बन जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है आर डैश पी डबल बॉन्डो ओ आर ये ईस्टर रहेगा व, वेरी गुड सेम यहां आइए H प्लस इसे प्रोटोनेट करेगा H प्लस इसे प्रोटोनेट करेगा ये खुल जाएगा खुल के ये इस पे अटैक कर जाएगा फिर यहां से वाटर निकलेगा इस पे अटैक करेगा फिर H प्लस यहां से अटैक करके फिर ये वाला तो ये एक्चुअली एक्सचेंज हो गया है ये वाला पूरा पोर्शन निकल के इस पे जुड़ गया है, मैंने पलट के आंसर लिखा हुआ है आयुध सेम किया है बहुत अच्छी बात है तो 25, 26 उनके लिए है जो प्रयास करना जानते प्रयास करोगे हो जाएगा प्रयास करोगे तो हो जाएगा नहीं करोगे तो जो करोगे वो हो जाएगा अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा क्योंकि तुम नहीं कर रहे थे तो नहीं हो गया और अगर तुम कर रहे होते तो हो जाता है सो इजी लाइफ का फंडा आसान है बेटा दो आंसर कौन कौन होंगे मेरे भाई क्या ये रेसमिक मिक्सचर होगा या नहीं बताओ क्या यह रेसमिक मिक्सचर होगा या नहीं कोई लैक्टिक एसिड जानता है बहुत अच्छे शिवकांत कांत कह रहे हैं इन्होंने मैकेनियम से किया और हो गया लैक्टिक एसिड होता है मेरे भाई ओ एच एंड सी डबल ओ एच राइट मैं थोड़ी बुद्धि लगाऊं तो क्यू में ओ OH एच और सी तो रहा ही होगा क्योंकि एन एसियन एससीन से हो रहा है कोई अंधा भी बता सकता है कि सीएन की ही हाइड्रोलिसिस से एसिड आया है कोई अंधा भी बता सकता है कि सीएन की ही हाइड्रोलिसिस से एसिड आया है तो बाकी पोर्शन हमें समझ में आ गया ये क्यू है और एक्सियन निकाल दो तो पी पता चल जाएगा एससीएन निकाल दो तो पी पता चल जाएगा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हमें पता होता है हाइड्रोलिसिस हुई थी तो साइनाइड एसियन एनएसियन सिर्फ साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से है मेरे भाई सिमिलियरली अगर आप ध्यान से देखें तो यह आएगा आपका ओ एच एंड एनसी मेरिक आएगा यहां पर ये आया ओ एच ये पी डैश एंड डैश ये आया डैश एंड डैश रेसमिक मिक्सचर मैं समझता हूं आप में से कई खच्चर ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं करते लेकिन ये कमेंट में कहते हैं कोर्स कब खत्म होगा होमवर्क से लेना देना नहीं है इन्हें नथिंग विद होमवर्क कब खत्म होगा ये बता दो इन्हें बस बाकी तो ये कह रहे हैं हम टेंशन लेते ही नहीं ये एच ये ओ एच ये एच रेसमिक मिक्सचर आएगा दोस्त रेसमिक मिक्सचर सेम यहां आएगा सेम यहां आएगा आएगा या नहीं ये बता दो बस बस हमें यहां इथाइल बनाना राइट अजय अच्छा, दो का आंसर लिखा हुआ है चलो कोई बात नहीं रिवीजन हो गया ये आया ओ OH, एच ये आया एसो थ्री एने राइट ये आया आपका ओ OH, एच ये आया एसो थ्री एने रेसमिक मिक्सचर होगा दोस्त रेसमिक मिक्सचर होगा <coughs> ये प्लस यहां आएगा आपका एसोथरी और ये है ओ एच सेम 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 सारे बच्चे बार बोलो सेम 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 बस कार्बन होगा एक ज्यादा 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 राइट right. क्या मैं मान लूं कि तुम ये बात पूरी तरीके से समझ गए हो ऐसा थोड़ी यानी चेक करो चेक करो यस वापस रिएक्टेंट ही बन रहा है आदर्श बेटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड हीट किया था क्या हीट किया था क्या ये आंसर आएगा फाइनल देखो मोजेदार चीजें हैं यहां पे कसम से बहुत मोजेदार चीज है आप चाहें तो इनका जो बीच में बन रहा था वो यहां बनाकर ट्राई कर सकते हैं ये बना था सही है या नहीं जो टोटोमराइज हो गया यहां बना ही यही था जो टोटोमराइज नहीं हुआ यहां बना ही यही था जो टोटोमराइज नहीं हुआ सारे देखो टू थ्री फोर में कोई डाउट सही है या नहीं एक ने लिखा एट समझा दो आई एम फाइव हंड्रेड परसेंट श्योर इसमें बेस क्या करेगा एच लेगा ओपर माइनस आएगा एसओ थ्री को लात मार देगा बेस ओ का एच लेगा ओपर माइनस आएगा वह एसओ को लात मार देगा आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा मेरे भाई ये एनओ टू वाले का आंसर है क्या तुम्हें पता है ऑक्साइम ही डोमिनेटिंग होता है ऑक्साइम ही डोमिनेटिंग होता है हा एमसीएट मुझे याद आ रहा मैंने लिखवाया तो था लिखाया था कहीं कुछ बोलने वाला था लेकिन खच्चर बच गया मेरे भाई इसका आंसर पिरीडीन है आइए मैं आपको बताता हूं कैसे लोन पेयर ने एच लिया एक तरीके का यहां एक दो तीन चार पांच फाइव एम सी टी एस बना एन पर एच रहेगा एन पर प्लस और इस कार्बन पर टूटकर माइनस आएगा फिर ये माइनस जो है ये एच प्लस छीन लेगा माइनस इससे एच प्लस छीन लेगा ठीक है आदर्श लिखा रहे दो गुलसन कह रहे हैं कि अब तो आज मैक्सिमम सही हुए हैं बधाई हो बधाई सुबह घड़ी आई एक सीओ टू निकल जाएगा जनाब सीओ टू निकल जाएगा किया था क्या किसी ने बताओ कितने सीओ टू निकाले तुमने भाई कितने सीओ टू निकाले मुझको ऐसा लगता है चार सीओ टू निकलेगा और ये प्रोडक्ट आएगा और इसको पटक देगा कौन थर्टींथ यहां पूरे पांच सीओ टू निकलेंगे एंड मुझको ऐसा लगता है कि ये सेम आंसर आएगा ओडींथ में पांच सीओ टू एंड दो आर ओ एच से आएंगे मेरे भाई आपको पता है यहां ये दोनों निकल जाएंगे और ये दोनों निकल जाएंगे इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो यस आर सी सू आर राइट यस यू आर राइट मैं आपको बता दूं जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेरे भाई ये बन ही इसी में जा, जाएगा ये बिल्कुल थर्टींथ क्वेश्चन हो जाएगा यहां भी सी डबल ओ एच यहां भी सी डबल ओ एच और यहां भी सी डबल ओ एच ये तो खैर पहले से है प्लस टू आर ओ एच एंड सिंस जेंटल हीट हो रहा है तो पांच CO2 निकल जाएगा सही है या नहीं मुझको ऐसा लगता है सच सच बताओ सारे बच्चे बताओ बच्चे सारे बच्चे बताओ एट बोर्ड से टू निकला है भाई मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी डी कार्बोक्साइलेट हो जाता है क्या रीजन रहा होगा कोई तो वजह रही होगी पीछे वाले यूं ही कोई डी कार्बोक्साइलेट नहीं होता आइए मैं आपको इसके एक संभावित टोटोमर से मिलवाता हूं क्या ये टोटोमर देखकर तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो गई कि सार बस इसे जीएच दे दो जेंटल हीट जेंटल जेंटल हीट आया मुझे बताओ ना भाई क्या ये टींथ कर लिया क्या तुमने क्या ये टींथ कर लिया क्या तुमने सच बताना एटींथ कर लिया गया तुमने ये कह रहा है टोटल पॉसिबल कीटो एसिड बताओ टोटल पॉसिबल कीटो एसिड बहुत आराम से तसल्ली तसल्ली बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई जरा ध्यान से देखो क्या खुद कहा जा रहा है कि टोटल पॉसिबल कीटो जो जेंटल हीट पर तो क्या ये क्लियर है कि ये बीटा गामा था क्या ये क्लियर है कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बीटा गामा था तो क्या आप मानते हैं कि इसके पास दो अल्फा हो सकते थे एक आजू एक बाजू तो मेरे भाई संभावित बीटा कीटो एसिड पर अगर हम चलें तो एक इस अल्फा पर हो सकता है सारे देखो एक इस अल्फा पर हो सकता है राइट right? सही है या नहीं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा होने को तो एक इस अल्फा पर भी हो सकता था लेकिन एक केस है जो बच्चा भूल जाता है छोड़ देता है वो ये है कि एक ये वाला केस भी हो सकता है सी ओ ओ डी सी ओ ओ डी इसको देखोगे तो जानोगे तो सीखोगे आओ बच्चों तुम्हें बताएं दरअसल पंडा था क्या पंडा था कि मेरे भाई जो ये होता है वो गामा पर जाता है याद है आपको याद है पहले गामा पर जाता था उसके बाद टोटोमराइज होता था उसके बाद टोटोमराइज होता था और फिर यही आंसर आएगा तो मेरे भाई विदाउट स्टीरियो आपके सामने तीन है और अगर विद स्टीरियो बात करें तो आपके सामने ये आ गया चार दो दो टोटल पॉसिबल एट टोटल पॉसिबल एट मेरे भाई एक ये कह रहे हैं दो एसिड ले लेते जब टोटल पॉसिबल कीटो एसिड लिखा है तो उसे बाय डिफॉल्ट मोनो ही मानेंगे डाय कार्बोक्सिलिक के लिए डाय कार्बोक्सिलिक मेंशन होगा ऐसा मेंशन नहीं है तो एक ही एकदम जनरल केस मानेंगे एकदम जनरल केस की ही बात करेंगे यस कीर्ति यू कैन स्टार्ट बट अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये क्वेश्चन वह बढ़िया है ये एलकीन है लेकिन ये याद रखना क्या तुम्हें याद है क्वेश्चन में जो डबल बॉन्ड बीटा गामा होता है ध्यान से सुनना प्रोडक्ट में वो डबल बॉन्ड बीटा में आ जाता है क्या एल्कीन के केस में तुम्हें ये याद है कि क्वेश्चन में जो डबल बॉन्ड बीटा गामा में होता था Elkeen के केस में Elkeen के केस में पहले जो बॉन्ड बीटा गामा में होता था वो आंसर में अल्फा बीटा में आ जाता था तो मेरे राय यानी कि अल्फा बीटा पोजीशन हमें पता है बहुत आराम से सोचना जी मेरे भाई अगर ये अल्फा ये बीटा है तो आपके पास संभावित ये गामा है ये दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए एक लिया लेकिन अगर आपका ये अल्फा और ये बीटा है तो क्या आपके पास दो डिफरेंट गामा होंगे या नहीं मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑरेंज वाला लेता हूं मेरे भाई आप बहुत आराम से कर लेंगे ऑरेंज वाले में बीटा गामा में डबल रहा होगा और अल्फा पर एसिड रहा होगा यह बन गया क्वेश्चन अब मैं येलो लेवल लेता हूं येलो लेवल येलो लेवल में अगर मैं नीचे वाला बीटा गामा लू यहां रहा होगा डबल यहां रहा होगा एसिड अगर मैं येलो वाले में ऊपर बीटा गामा लू तो यहां रहा होगा डबल और यहां रहा होगा एसिड तो ये हैं तीन मुमकिन केसेस विदाउट स्टीरियो लेकिन टोटल पॉसिबल लिखा है जनाब तो ये सेंटर काइरल और ये करेगा जीआई, तो हो गए चार एंड एंड एंड, एंड 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 ये है सिंगल एंड ये करेगा जीआई दो तो मेरे भाई टोटल पॉसिबल है सेवन टोटल पॉसिबल कितने सात टोटल पॉसिबल कितने हैं सेवन भाई साहब क्वेश्चन को रिवर्स उल्टा चलना है एनसीआरटी में आप पहले दो चैप्टर करो बिंदास होकर करो टेंशन नहीं लेने का मस्त रहनेगा एकदम लाइफ में ठीक है हैप्पी रहने का हैप्पी रहने का ओडींथ का आंसर बनाया गया किसी ने क्या किसी ने फोर्टींथ का आंसर बनाया जीआई ने निपटा दिया अगेन मेरे भाई बताओ फोर्टींथ में सबसे पहले क्या होगा ओडींथ में सबसे पहले क्या होगा मेरे सवालों का जवाब दो दे दो जवाब दे दो प्लीज जवाब दे दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सुंदर मेरे भाई पहले दो सीओ टू निकलेंगे यस यू आर राइट सिंस वी आर हेटिंग इट एक सीओ टू ऊपर से निकलेगा इन दोनों में से और एक इन दोनों में से निकलेगा क्योंकि ये जमीनल डाय एसिड एंड सिंस वी आर स्ट्रॉन्ग हिटिंग तो मेरे भाई अब ये बन गया सक्सीनिक एनहाइड्राइड तो ये आपका क्या हो जाएगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा तो दिस इज योर आंसर प्लाइस सीओ टू प्लस जल इन शॉर्ट में समझा देता हूं तब से पहले दो सीओ टू निकले होंगे ये बना होगा और फिर एक वाटर निकला होगा यह बना होगा एक खच्चर कह रहा है इस जो सबसे जल्दी होता है वो नहीं करना है इसे जो जल्दी होता है वो नहीं करना है मेरे भाई पंद्रह में अगर आप ध्यान से देखें तो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे ज्योमेटिकल आइसोमर्स इसमें क्या हुआ था बात तब चालू होती है मित्र जब इसने खटाक से एक सीओ टू निकाल दिया और एक सीओ टू निकालने के पश्चात क्या तुमको याद है ऐसा कुछ आया होगा और ऐसा आने के बाद एक बार इस एच ने कहा हम ऐसे टोटोमराइज करेंगे तो इस वाले एच ने भी कहा तुम वैसे करोगे तो हम ऐसे करेंगे तो जिससे कि हमें दो आंसर की प्राप्ति हुई मेरे भाई सिमिल सिक्सटीन में भी एक सीओ टू निकलेगा लेकिन अगर ये बाजू वाला निकल गया तो ये बनेगा और अगर ये आजू वाला निकल गया तो ये बनेगा यहां आया है रेसमिक मिक्सचर यहां आया है रेसमिक मिक्सचर सही है या नहीं आज सिमिलियरली यहां भी एक सीओ टू निकलेगा यार आया मजेदार बात क्या है जब सीओ टू निकलेगा तो वो ऊपर नीचे कहीं से भी निकल सकता है अगर नीचे से निकला तो ट्रांस आएगा और अगर ऊपर से निकला तो ये आएगा राइट तो मेरे भाई ये नीचे वाला फिर से डिहाइड्रेट होकर आपको साइक्लिक एंडहाइड्राइट दे, दे देगा एक वोटर निकल जाएगा चेक 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 यहां से एक सीओ टू निकलना है जिससे दो जोमेटिकल आइसोमर्स बनेंगे जिससे दो जोमेटिकल आइसोमर्स बनेंगे आया नीचे से निकला तो ट्रांस, ऊपर से निकला तो सिस सिस वाला एनाइड साइक्लिक एनाइड्राइड बना लेगा और आज हमने डिस्कशन में, में मेरे भाई सेम कहानी की थी याद आया आपको कि नहीं याद आया डिस्कशन में सेम कहानी की थी बताओ ना बच्चों बच्चों क्या तुमको याद है हमको ट्रांस से प्रॉब्लम नहीं है भाई ट्रांस से डर नहीं साहब एंटी से डर लगता है अगर बात रिंग बनाने को है तो हमको ट्रांस से कतई डर नहीं लगता हमको डर लगता है एंटी से क्या तुम मेरी बात समझ गए हो बोलो सारे बच्चे क्या आप समझ गए हैं कि ये वाला तो रिंग बुना लेगा लेकिन नो 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 क्या हम यहां इस बात को लिख दें नो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन क्योंकि तुमको मालूम है ये दोनों एक्जियल आएंगे और ये एंटी ट्रांस है ये एंटी ट्रांस है और ये केवल ट्रांस है इसमें ये दोनों इक्वटोरियल है अबे आयुध खच्चर हो गया है क्या तू कैसी बातें करने लगा है अबे रिपल्सन से रिएक्शन स्लो हो जाएगी बंद कब होती है हैं स्लो हो जाएगी स्लो हो जाएगी ना अजय नहीं बेटा तुम्हारा नाम सो नहीं कर रहा है बिल्कुल मुझे सो ही नहीं हो रहा अजय का नाम मेरे भाई ट्वेंटी टू आपका एडपिक एसिड वाला केस ट्वेंटी टू जो है वह एडपिक एसिड वाला केस है और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बोट फॉर्म से इसके बोट फॉर्म से हीटिंग इफेक्ट चलेगी यस संदेश वेरी गुड वेरी गुड तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा प्लस co2 टू प्लस जल वेरी गुड बोट बनेगी बोट बोट बनेगी बोट बन जाएगी सीओ टू निकल जाएगा जल्दी करो यार लेक्टाइड वेक्टाइड कर लिया था मैं आंसर लिख रहा हूं यार बाकी आप घर से करके लाना ये सारे अलग आंसर थे मेरे वाला खूबसूरत क्वेश्चन है दरअसल ये वाला बहुत ही खूबसूरत आंसर है। कोई बताएगा सिक्स में कितने कैदल सेंटर आएंगे आई एम सॉरी सिक्स में आ, कितनी प्रोडक्ट आएंगे सिक्स में कितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएंगे सिक्स में कितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएंगे बोलो बोलो ना सेक्स में कितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएंगी सेक्स में कितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएंगी पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए तुम लोग तुम्हें अकल नहीं आई ना लायक कहीं के लैक्टाइड केवल एक प्रोडक्ट आएगी बहुत कचरा हो भाई तुम लोग बहुत ज्यादा कचरा हो ऑर्गेनिक खत्म होने को आ गई तुम्हें अभी आज तक पता ही नहीं चला प्रोडक्ट कितनी आएगी हमने कायरल सेंटर को टच किया ही नहीं है रिएक्शन तो यहां यहां चली है जब कायरल सेंटर टच हुआ ही नहीं तो ये सेंटर था आर तो मुझे एक डिजाइन बनानी थी जिसमें दोनों आर रहे मुझे डिजाइन बनानी थी जिसमें दोनों आर रहे सिंगल प्रोडक्ट है जब कायरल सेंटर बदला ही नहीं तो आंसर कैसे बढ़ जाएगा आ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये बनाया जरूर होगा ऐसा मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं ये एन एच ये आर आ, ये आर ये लैक्टिव आएगा मिरर इमेज के साथ क्योंकि ये एक्टिव है और एक लैक्टिम जो है वो होगा ट्रांस वाला वो इनएक्टिव होगा अपना ये आर और ये डैश डैश में आर ये देख लें बीटा ये किया है या नहीं किया है बस इतना बता दो ये किया है या नहीं किया है बनाया है ना आर प्लस मिरर इमेज यहां आपका आ गया छह का लैक्टम 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 बीटा गामा डेल्टा ओमेगा हो गया सब हो गया ओ खत्म हाँ जी पांचवा करते हैं मेरे भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा होना चाहिए था ना ये डेल्टा होना चाहिए था डेल्टा आइए जरा ध्यान से देखें ओमेगा एमिनो एसिड में पॉलीमर बनाया होगा ओमेगा एमिनो एसिड में कितने आएंगे सी एच टू यहां कितने थे एक दो तीन उसमें चार आएंगे चार पे डबल बॉन्डो ओ एच हेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ एमएच सी एच आर एच टू होल फोर डी ओ यह पॉलीमर मिलेगा चलिए कोई बात नहीं कुछ प्रश्न दे रहा हूं अपने घर से करिएगा सही है इसे हीट कर डालना इसे हीट कर डालना दोस्त मन हो तो इसे हीट कर डालना ये आया सी डबल्यू एच आग लगा देना आग लगा देना आग लगा देना एंड uh, हम बढ़ेंगे आज के पहले नए टॉपिक की तरफ फर्स्ट न्यू टॉपिक एमिनो एसिड को हीट करने के बाद हम आ रहे हैं क्या हाँ भाई एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट और बेहद आसान टॉपिक है इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर लगा लेना ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्सियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीट करना ऑन हीटिंग मतलब ये ड्राई डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं इस प्रोसेस में हीट करते हैं ऑफ कैल्सियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट सारे बच्चे ध्यान से देखना सारे ध्यान से देखना ये पहला प्रश्न है जैसे देखो ये है एसिड ठीक है अब अगर मुझे इसका कैल्सियम सॉल्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा मैं इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा सकता हूं तो कैल्सियम सॉल्ट बन गया सारे बच्चे देखो ये तो पता है यार एसिड बेस रिएक्शन है तो सॉल्ट ही बनेगा कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड राइट कैल्सियम सोल्ट क्या ड्राई डिस्टिलेशन करना है इसको हीट करना है सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो आंसर आएगा कार्बोनाइल कुछ आजू होगा कुछ बाजू होगा इस ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ इस CO2 के अलावा जो दिखे इसके अलावा आर दिख रहा है वो एक बार आजू एक बार बाजू मेरे भाई ये आया कैल्शियम कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट निकल जाता है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है मेरे भाई आपको सॉल्ट बनाना है तो आप लाइन के साथ भी हीट कर सकते थे सीएओ के साथ भी हीट करते वो भी बेसिक होता है तो इतना है इसमें कुछ नया नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक बच्चा आया कह रहा सर जी मैंने कहा बोलो कह रहा मैंने ये कैल्सियम सॉल्ट लिया मैंने कहा ठीक है कह रहा मैंने एक और कैल्सियम सॉल्ट लिया आर डैश वाला मैंने कहा ठीक है कह रहा और मैंने दोनों को लेके लगा दी अग क्या बनेगा उसके बाद मैंने तो बनेगा तो कार्बोनाइल बनेगा तो कार्बोनाइल अब ये दोनों अलग अलग हैं। तो उसके अलावा बच्चा आर एक बार लगा दो आर आजू में इसके अलावा बच्चा आर डैश वो लगाओ बाजू में मेरे भाई पॉसिबल कार्बोनाइल और भी हो सकते हैं जिसमें दोनों तरफ आर या दोनों तरफ आर डैश हो लेकिन ये मेजर होगा मेजर कार्बोनाइल मेजर कार्बोनाइल कर लेंगे तो भाई साहब इसमें क्या वेरिएशन कराऊंगा मैं है सिंपल सा तो प्रश्न है मैंने आपको दे दिया पीएचसी डबल ओ होल्ड वाइस मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आप कर लोगे कर लोगे आसान है आर बदल बदल के ही तो दे रहा हूं क्यों दोस्त आर बदल बदल के ही तो दे रहा हूं मुझको ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे प्रश्नों को राइट इज वेरी इजी मैं दो मिक्स करके भी आपके मुंह पे मारूंगा आपको क्या लग रहा है एक ही एक ना ना दो दो अभी हमने जो पढ़ा है वो भी करेंगे पी एस थ्री सी डबल ओ वोल्टवाइ सी एबल ओ वोल्टवाइ सी ए बात अगर इतनी आगे आ गई है ना दोस्त तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात ना हो बात है तभी इतनी आगे आई है कोई तो बात होगी सोचो जरा मेरे भाई आप केवल लाइन पर डिपेंडेंट मत रहिए आप केवल लाइन पर डिपेंडेंट मत रहिए मैग्नीज ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड के साथ भी अगर आप हीट करेंगे तो आपको ड्राइड स्टिलेशन जैसा प्रोडक्ट ही मिलेगा ड्राइड स्टिलेशन जैसा ही क्वेश्चन प्राप्त होगा मेरे भाई अब सिंस बात डीकार्बोक्साइलेशन की चल रही है तो एक बेहद इंपॉर्टेंट अब लाइम्स की बात हुई तो सोडा भी ले आते हैं दोस्त सोडा लाइम डी कार्बोक्साइलेशन सोडा लाइम डी कार्बोक्साइलेशन और इसका एक नाम और है दोस्त वो है ऑकवुड डिग्रेडेशन ऑकवुड डिग्रेडेशन ऑकवुड डिग्रेडेशन ओके मेरे भाई सेम चीजें तभी इंट्रैक्ट करती हैं जब वो इनर्ट कंडीशन हो मतलब कोई और मौजूद ना हो और अगर कोई और मौजूद रहेगा तो क्रॉस इंट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे आइए जरा सोडा लाइम डी क्या मतलब है इसका ध्यान से सुनिएगा ध्यान <laughs> <coughs> से देखें सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स डी कार्बोक्साइलेटेड गेट्स डी कार्बोक्साइलेटेड ऑन रिएक्शन विथ सोडा लाइम ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम सारे लोग इसे समझो क्या है मतलब बात तब चालू हुई दोस्त जब एक एसिड का सोडियम सॉल्ट सुनना एक एसिड का सोडियम सोल्ट सोडा और लाइम लेकर आ गया फिर चलो गहराज फिर तो खूब जमा होगा रंग जब बैठे होंगे आप सोडा लाइम के संग मेरे भाई देखिए क्या हुआ मैं बताता हूं सोडा लाइम और ये आया एसिड सॉल्ट मेरे भाई देखते देखते क्या से क्या हो गया देखते देखते मेरे भाई आर और एच अकेले थे बस बाकी ये सब झाम सोडियम कार्बोनेट बनाने में लगा हुआ था सोडियम कार्बोनेट बनाने में लगा हुआ था एक बात और बताता हूं डिग्रेडेशन वहां यूज होता है जहां आपके रिएक्टेंट में कार्बन कम हो रहा होता है यहां देखिए कार्बन चेंज जो थी वो छोटी हो गई है पहले